हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर लेकर आए हैं और इस चैप्टर को एक या दो घंटे की क्लास में हम पूरा खत्म कर देंगे। मतलब कि इतना चैप्टर आपको सिखा देंगे कि इससे आने वाले एमसीक्यूज जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। और ये जो बेटा जी चैप्टर है इसकी वेटेज भी अच्छी खासी है, और इसकी वेटेज सिर्फ 11th क्लास में ही नहीं, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उन एग्जाम्स में भी अच्छे खासे मार्क्स में ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है केमिस्ट्री को समझने के लिए, बिकॉज एटम का स्ट्रक्चर है। क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन वहां पर हम बहुत छोटी छोटी सी चीजें डिस्कस करते हैं, यहां पर उसे थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर लेके जाएंगे और बहुत सारे नई नई चीजें हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं इस सेशन की ही बात करूंगा, बिकॉज इस सेशन में कुछ चीजें डिलीटेड भी हैं, तो जो डिलीटेड पोर्शन है मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी जो डेप्थ की वीडियो होगी जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए, वो मैं बाद में बनाऊंगा। फिलहाल ये जो मेन वीडियो है बेटा जी वो क्लास 11th वालों के लिए है, बिकॉज उनके टर्म 1 आने वाले हैं, उनके पीटीज में भी ये चैप्टर पूछा जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिना टाइम खराब किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नाम से इतना आइडिया लग रहा है कि सर यहां पे हम एटम का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे, और एटम का स्ट्रक्चर जब दिमाग में आता है तो हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि सर एक बीच में न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब वहां तक पहुंचना स्ट्रक्चर का, मतलब जो आपने अपनी इमेज एटम को लेके सेट कर रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम बेटा जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है ना। यही सारी कहानी हमको सीखनी है कि सर एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज यहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना मोस्ट डिफिकल्ट काम है। तो ठीक है, अब देखो कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो कहानी थी वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट हुई थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट हुई थी। हालांकि एटम के बारे में सबसे पहले महर्षि कनद डेमोक्रेटस ने बता दिया था, 400 बीसी में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि एटम क्या है, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया था, लेकिन एटम के बारे में जो सबसे पहली थ्योरी दी थी, अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, वो थे हमारे पास डाल्टन सर। तो डाल्टन एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी एक थ्योरी डिटरमाइन की। इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे, इनके पोस्टुलेट्स जितने भी थे उस टाइम पे लोगों ने कंसीडर भी किए, बट नाउअडेज इनका कोई भी पोस्टुलेट बेटा जी वैलिड नहीं है, ठीक नहीं है। तो फिलहाल मैं आपके साथ बस वो डिस्कस कर लेता हूं कि क्या क्या इनके पोस्टुलेट थे। डाल्टन सर ने सबसे पहले बताया कि जो एटम है हमारे पास, वो एटम जो है वो अनडिस्ट्रिक्टेबल है, अनडिविजनल है। मतलब एटम को हम, एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, वो सिंगल यूनिट है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसी सारी बातें किसने बताई हमको, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बताई, और भी कुछ पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए थे। जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक लोगों को यह लगता था कि सर एटम अनडिविजनल है, एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर लोगों ने लगाना दिमाग स्टार्ट किया बेटा जी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद। जैसे ही डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब बहुत सारे लोग एटम के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, उन्होंने एटम को पढ़ना स्टार्ट करा और पता चला कि एटम अनडिविजनल नहीं है, एटम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जिनको उन्होंने नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल। तो धीरे धीरे जब काम चलना स्टार्ट हुआ बेटा जी, तो जब डिस्कवरी होनी स्टार्ट होगी सब एटॉमिक पार्टिकल की, तो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था हमारे पास इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन की जैसे डिस्कवरी हुई उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बहुत टाइम बाद, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन पे पहुंचे, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बहुत बाद में बेटा जी जाके कहीं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो कुल मिला के ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो किसी एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको यहां बताऊं बेटा जी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये ही
पार्टिकल्स एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये मेनली जनरली सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका डिस्कशन हम सबसे ज्यादा करते हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो बेटा जी, एक एटम के अंदर मैक्सिमम 34 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। 34 सब एटॉमिक पार्टिकल बेटा जी हो सकते हैं। तो देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, है ना। जैसे आपने मीजोन, पॉजिट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, दीज ऑल आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। तो ऐसे 34 हो सकते हैं, बट मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम ज्यादा जिक्र करते हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करता है। तो क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, हालांकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया था, है ना। फैराडे सर ने भी बहुत मेहनत की थी, और भी बहुत बहुत बड़ी महान हस्तियां थी जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए बहुत सारा काम किया। बट इन द एंड जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट मिला वो थॉमसन सर को मिल गया। थॉमसन सर को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट मिला कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, उसका मास क्या होगा, उसका चार्ज क्या होगा, ये सारी बातें उन्होंने कुछ कुछ लोगों की हेल्प कर करके, मतलब हेल्प ले लेकर सारी चीजें बेटा जी ये डिस्कवर कर दी। तो इसके बाद ये तो क्लियर है कि सर ये जे जे थॉमसन सर की मेहनत थी, है ना। मतलब और लोगों की मेहनत को इकट्ठा किया और उस पर थोड़ा सा वर्क किया और पूरा क्रेडिट लेके जे जे थॉमसन सर। तो जे जे थॉमसन को कहा जाता है कि सर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने ही की थी, और उन्होंने कुछ बातें भी लोगों की हेल्प से निकाली कि सर जो इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। आपको ये सारी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है ना, बिकॉज मैं 2 घंटे की क्लास में आपका ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म करा दूंगा, मतलब एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी आपका इसके अंदर नहीं रहेगा। तो ठीक है, जब इन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया तो बेटा जी चार्ज के मैग्नीट्यूड की भी बात हुई। चार्ज नेगेटिव होता है ये तो उन्होंने बता दिया था, लेकिन नेगेटिव में मैग्नीट्यूड कितना है उसका, तो उसके लिए उन्होंने कैलकुलेट करा -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। दीज टू थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो और लोग एक्साइट हो गए, उन्हें ऑक्साइटेशन की और कुछ ढूंढने की, एटम के अंदर कुछ और मिल जाए, तो जब वो एटम के अंदर घुसे और चीजें देखने की, उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाई, तब उन्हें पता चला कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव भी है और वो पॉजिटिव प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन को गोल्ड स्टीन, लेकिन कुछ बुक्स में रदरफोर्ड भी लिखा है, दोनों ने काम किया था, लेकिन मोस्ट क्रेडिट गोल्ड स्टीन सर को ही मिला था। ठीक है, तो गोल्ड स्टीन सर ने क्या करा, प्रोटॉन के बारे में बताया कि सर कुछ पॉजिटिव हमारे पास है, उसके पास अपना मास है, उसके पास अपना चार्ज है, ये सारी बातें उन्होंने प्रोटॉन को लेके बताई। तो गोल्डस्टीन सर ने प्रोटॉन के बारे में जब बताया तो उन्होंने बताया कि सर इसका जो मास है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होगा। एंड सेकंड थिंग कि सर यहां पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होता है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो पॉजिटिव 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बिकॉज ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हमें नहीं पता तो बेटा जी हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर को नहीं सीख सकते, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम नहीं लगा सकते। ठीक है, अब देखो कि ये सर न्यूट्रॉन, हालांकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, लेकिन हुई थी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जो मिला था वो चैडविक सर को मिला था, ये सारी बातें आपको पता होंगी ऑब्वियस है। अगर मैं इसके मास की बात करूं तो आप जानते हो कि सर न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास के अप्रोक्सीमेशन है, मतलब लगभग लगभग बराबर है। तो अगर हम इसके मास की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि सर लगभग लगभग 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। जब देखा गया कि सर न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करें तो ऑब्वियस है कि न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटा जी वो जीरो होता है, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा बिकॉज वो इस सवाल रिलेटेड है।
प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई थी बेटा जी, वो हमारा एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से या किनॉल रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने की थी। और अगर मैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करूं तो बेरियम शीट पर बम्बार्टमेंट करके हमने अल्फा पार्टिकल्स की, वहां से पता किया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी कहीं एग्जिस्ट करता है। और नाउअडेज वी नो दैट कि सर 34 सबएटॉमिक पार्टिकल्स एक एटम के अंदर मिलते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और जब आप 2 घंटे बाद इस क्लास को ओवर करोगे, अभी देखो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पे हैं, लेकिन जब 2 घंटे बाद आप इस क्लास को ओवर करोगे तब आप देखना कि कितनी एटॉमिक स्ट्रक्चर आप सीख चुके हो, है ना। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। स्टिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ भी मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर ब्रशअप करा दूंगा और आपकी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन आप सारे कर लोगे, दिस इज माई प्रॉमिस। ओके, तो ये थी हमारी कि सर जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, अब डिस्कवरी हो गई तो लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि सर ठीक है, थॉमसन सर, गोल्डस्टीन सर, चैडविक सर, आप कह रहे हो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें यह बताओ कि वो एटम के अंदर कहां पर है, किस तरीके का उनका अरेंजमेंट है एटम के अंदर, कहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कहां पर प्रोटॉन मिलेंगे, कहां पर न्यूट्रॉन मिलेंगे। और भाई सही बात थी भाई, जब तक पता नहीं था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एटम के स्ट्रक्चर का कोई जिक्र अपने दिमाग में आया ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने मेहनत की, उन्होंने पता लगाया कि सर एटम अनडिविजनल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कहानी है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता चला, फिर तो और ज्यादा काम बढ़ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कि अब बताओ ये कहां कहां मिलेंगे एटम के अंदर। तो बेटा जी ये सारी कहानी बताने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारी थ्योरीज आई, लोगों ने अपनी अपनी नई नई थ्योरीज बनाई, जिन्होंने उस थ्योरीज के अंदर एटम के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया। सबसे पहले जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी वही थॉमसन सर आए, और थॉमसन सर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, एक थ्योरी दी, हालांकि एक्सपेरिमेंट नहीं था उनका वो, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट, प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या फिर वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है और हमारे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। एक और बात, क्वेश्चन तो छोड़ो, ये रिलेटेड है टॉपिक आपके क्लास लेवल, क्योंकि इसमें कुछ आई नहीं, आपने 9th क्लास में पढ़ा प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। जे.जे. थॉमसन की बेटा जी एक भी बात कोई ठीक नहीं थी, मतलब एक एक स्फीयर है एटम ऐसा बता दिया, मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत। जब इनकी बातें थी नहीं निकली, इनके जो थ्योरीज थी उसमें बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स थे, ऑलमोस्ट सारे ही ड्रॉबैक्स थे, तो इसको एक्सप्लेन करने दूसरे साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड सर ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा कमाल का एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से मतलब मैं कह सकता हूं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत गलत थे रदरफोर्ड सर, लेकिन रदरफोर्ड सर ने मतलब जो कहते हैं ना नींव रखी थी एटम को डिटरमाइन करने की, तो ऑब्वियसली कि बहुत अच्छी नींव रखी थी रदरफोर्ड ने, बहुत सारी बातें को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे, लेकिन हाँ एटम को कुछ हद तक इन्होंने एक्सप्लेन करा था। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में भी बेटा जी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उनकी भी बहुत सारी चीजें जो लोगों ने पूछा उनसे एटम के बारे में तो वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन दी एंड लास्ट में हमारे एक सर आए जिनका नाम था बोहर, नील्स बोहर, उन्होंने दिया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर सर ने भी एक एटॉमिक मॉडल बनाया और उस मॉडल के थ्रू जो भी रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां आ रही थी उन सारी कमियों के, उन सारे क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर किए कि सर ऐसे से गड़बड़ हो रहा है आपका मामला। और बोहर एटॉमिक मॉडल ने भी एटम को बहुत सारी चीजें एटम के बारे में बताई कि सर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूम रहा है, एटम के अंदर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा एक सेल से दूसरे सेल पे तो कितना वेवलेंथ, वेव नंबर, मतलब बहुत सारी कहानी एक्सप्लेन की थी, पढ़ेंगे हम। लेकिन ऐसा नहीं है कि बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था दैट वाज 100% सफिशिएंट,
मतलब वहां भी कुछ ना कुछ कमियां थी, और वो जो कमियां थी वो बहुत बड़ा रोल रखती थी। बहुत सारी दिक्कतें आई बोहस मॉडल में भी, लेकिन बोहस मॉडल को अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो सर बोहस मॉडल को मोस्ट क्रेडिट दिया जाता है एटम के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। हालांकि जो भी बोहस मॉडल की कमियां थी वो इन द एंड लास्ट में सही हुई थी क्वांटम एटॉमिक मॉडल में। क्वांटम एटॉमिक मॉडल में तो ये क्वांटम मॉडल जो है एटम का, इस क्वांटम मॉडल ने बेटा जी एटम को एक्सप्लेन करने में सबसे ज्यादा सफिशिएंट डेटा दिया। और आज भी हम अगर एटम के बारे में सबसे ज्यादा बातें जानना चाहते हैं तो हमको क्वांटम एटॉमिक मॉडल पढ़ना पड़ता है। अगर मैं इस क्वांटम एटॉमिक मॉडल की बात करूं तो क्वांटम जो मॉडल है ये एक बहुत ब्रॉड मॉडल है, एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये, जो कि हायर क्लासेस में हम जाके इसको पढ़ते हैं। तो यहां पे इन क्लास 11th इस क्वांटम एटॉमिक मॉडल का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उससे आने वाली एक दो टर्म्स हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, तो उतना ही हमको पढ़ना है क्वांटम मॉडल में, ठीक है। तो ये चारों मॉडल्स जब हम पढ़ लेंगे तो हमें लगभग लगभग एटम का आइडिया लग जाएगा कि सर एटम की कहानी पूरी क्या है। तो मैं बिना वेस्ट किए चलो टाइम स्टार्ट करता हूं। तो ये तो हमारा था छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब क्वेश्चन सर जब आ गया कि जब आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चल गया, अब उसके बाद हम क्या करें सर, कि हम ये भी पता कर लें कि सर वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर कहां पर हैं। मतलब कि अब हमारा काम है पता करने का, दैट इज अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन एन एटम। एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरीके से अरेंज होते हैं ये हमको पता करना है। तो इसमें थॉमसन मॉडल था, सबसे पहले थॉमसन सर ही आए थे, सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया। थॉमसन मॉडल ने क्या कहा कि सर एटम जो है एक वाटरमेलन की तरह है, ठीक है सर मान लिया स्फेरिकल है, वाटरमेलन की तरह है। इसके अंदर जो ये सीड्स होते हैं ब्लैक वाले, उन्होंने कहा कि सर ये जो सीड है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। एटम जो है स्फेरिकल है, ये भी उन्होंने बताया, नो डाउट ये भी कहा था कि एटम कैसा है, स्फेरिकल है, इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो बेटा जी हमारे पास रेड कलर की स्टफिंग होती है किसी भी वाटर मिलन के स्ट्रक्चर में, दैट स्टफिंग उन्होंने कहा कि सर प्रोटॉन है। इनके बारे में एक दो बातें और भी बताई, कहा कि सर ये जो प्रोटॉन है ये एटम के अंदर हर जगह होगा, हर जगह एटम के अंदर। भाई जब हम वाटर मिलन देखते हैं तो जो रेड वाला स्टफ है वो उस वाटर मिलन के अंदर सारी जगह रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शीट्स की तरह बेटा जी फिट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कहा क्या कहा कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहीं रुका रहेगा, हिलेगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, प्रोटॉन हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, एटम स्फेरिकल है। यही तीन कॉन्सेप्ट थे हमारे पास जे.जे. थॉमसन के मॉडल के, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हालांकि इतना छोटा नहीं होता थॉमसन मॉडल, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर अगर हम सिलेबस चले तो यही तीन बातें इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो अब जब ये बातें बताई तो लोगों ने पूछा कि सर आपने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इन्होंने कहा ठीक है मैंने बताया था, क्या हो गया बताओ। आपने बताया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, गोल्डस्टीन सर ने बताया कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन का तो जिक्र ही नहीं है देखो यहां, क्योंकि उस टाइम पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई रही थी। जब थॉमसन सर का मॉडल आया था तब कोई भी वहां पर न्यूट्रॉन की जिक्र नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि सर जो हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, क्या अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपका स्टेशनरी रहे, रुका रहे एक जगह, सर यहां पर इतने सारे पॉजिटिव चार्ज है, वो भागना स्टार्ट कर देगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर। अगर किसी भी स्पीसीज के पास चार्ज है मतलब उसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो मूव करेगा। आप कैसे कह सकते हो कि वो स्टेशनरी है? दूसरी चीज कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में एक बहुत
पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और पावरफुल अगर स्ट्राइक करेंगे वो इतनी तेजी से, तो बेटा जी वहां पे क्या हो जाएगा कि आपके एटम के डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि पॉसिबल नहीं है सर, एटम कहां डिस्ट्रॉय होता है। तो रदरफोर्ड थॉमसन सर इसके बारे में कुछ ज्यादा बहुत नहीं बता पाए, तो इसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड सर आए। देखो मैं बहुत डिटेल से नहीं जा रहा यहां पे, है ना, मैंने कहा कि सिर्फ ये वन शॉट है तो मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। जब बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा तो इस चैप्टर में आपका रदरफोर्ड मॉडल भी, इतनी सारी चीजें कि उनका मेन कैलकुलेशन कहां से उन्होंने की थी, मतलब बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। फिलहाल सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं। जो भी अगर एक्स्ट्रा डाउट्स हो आपके तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको पर्सनली वो बता दूंगा। तो रदरफोर्ड सर ने क्या कहा, रदरफोर्ड सर ने क्या करा कि सर एक गोल्ड फॉइल ली और उस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का बेटा जी उन्होंने बम्बार्डमेंट करानी स्टार्ट करी। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा पार्टिकल होते क्या है, है ना, भाई अल्फा पार्टिकल की बमबारी करा रहे हो, अल्फा पार्टिकल फेंक के मार रहे हो आप गोल्ड फॉइल पे, तो सर अल्फा पार्टिकल क्यों लेते हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है, आप जानते हो कि सर मेरे पास एक हीलियम का एटम है, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं। अगर मैं इस हीलियम एटम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये हीलियम प्लस टू बचेगा, और इस हीलियम प्लस टू के पास सिर्फ दो प्रोटॉन है, और इसी हीलियम प्लस टू को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, हीलियम प्लस टू को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। मतलब हीलियम के अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो वो आपका अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। तो ये है हमारे पास अल्फा पार्टिकल की कहानी। दूसरी बात की सर गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, बेटा जी गोल्ड फॉइल जो होती है ये बहुत ज्यादा मिलेबल होती है। ये कैसी होती है, बहुत ज्यादा मिलेबल नेचर में होती है, दैट्स व्हाई हम यहां पर गोल्ड फॉइल यूज करते हैं। मतलब इसकी जो शीट है वो सबसे ज्यादा थिन बन सकती है, बहुत ज्यादा पतली बन सकती है। मतलब इसका रीजन यही है कि सर इसकी जो शीट होती है वो बहुत ज्यादा थिन बन सकती है, दैट्स व्हाई हम यहां पर गोल्ड की फॉइल लेते हैं। तो यही सारी कहानी करी थी सर, एक्सपेरिमेंट करके देखा था, ये मैंने गोल्ड फॉइल पेपर ले लिया, इसके अंदर बहुत सारे गोल्ड के इस तरीके के एटम्स होंगे, भाई मैं तो कम बना रहा हूं, इसमें क्या होंगे बहुत सारे एटम्स होंगे गोल्ड के, बहुत सारे कुछ इस तरीके के एटम्स होंगे। आपने बचपन में भी पढ़ी है ना थ्योरी, आई होप कि इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये मेरे पास गोल्ड के छोटे छोटे से पार्टिकल है। यहां पे क्या करा मैंने कि सर एक ऐसा सोर्स ले लिया जो अल्फा पार्टिकल फेंक के मारे इसके ऊपर, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लिया हमने, और क्या करा कि सर यहां पर एक स्क्रीन लगा दी, यहां पर हमने क्या करा कि एक स्क्रीन पुट कर दी, और इस स्क्रीन पर हमने क्या करा, इस स्क्रीन पर बेटा जी हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल को लगा दिया, उसकी एक लेयर यहां पर लगा दी। क्वेश्चन इज दैट कि सर फ्लोरोसेंट मटेरियल क्यों लगाया, फ्लोरोसेंट मटेरियल, और फ्लोरोसेंट मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम ZnS लेते हैं, जिंक सल्फाइड। क्वेश्चन की सर क्यों लेते हैं, अब मान लो कि सर अल्फा पार्टिकल या कोई भी आपके पास बहुत छोटा सा पार्टिकल है, जब वो पार्टिकल जाएगा मान लो कि इस स्क्रीन पे जाके लगा तो आपको कैसे क्या दिखाई दे जाएगा, वो भाई इतना छोटा सा पार्टिकल होता है वो दिखाई नहीं देता। तो हम क्या करेंगे कि सर इस फ्लोरोसेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि इस पर अगर कोई टाइनी पार्टिकल भी जाके स्ट्राइक करेगा ये तुरंत ग्लो कर देता है, मतलब एक कलर चेंज कर देता है उसका। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि सर कोई तो चीज आई है जो इस पर लगी है, बस इसीलिए हमने यहां पर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। अब क्या होगा कि सर जब हमने यहां से पार्टिकल्स भेजे तो आपको तीन तरीके के रिजल्ट मिले कि सर कुछ मतलब बहुत कम, वेरी 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 लेस पार्टिकल्स बाउंस बैक हो रहे थे, मतलब गए टकरा के वापस आ गए थे। कुछ पार्टिकल्स सिर्फ जाके किसी एंगल से डेविएट हो रहे थे, किसी भी एंगल से, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब हर एंगल पे थोड़ा थोड़ा सा डेविएशन आ रहा था, और बहुत सारे मतलब मैक्सिमम पार्टिकल्स बेटा जी, मैक्सिमम पार्टिकल्स जो थे, मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, वो सीधे से स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक कर रहे थे। मतलब हमें दिख रहा था कि सर मैक्सिमम स्क्रीन पर कुछ ग्लो कर रहा है,
मतलब आपको ज्यादातर स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा था कि कलर चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ ग्लो कर रहा है, मतलब वहां से आइडिया लग रहा था कि सर मैक्सिमम पार्टिकल्स यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं, और जहां स्ट्राइक जहां से बाउंस बैक आ रहे थे ऑब्वियस है कि वहां पे स्ट्राइक नहीं किए होंगे, तो यहां पे कोई बहुत छोटा सा स्पेस हमें दिखाई दे रहा था जहां पर इलेक्ट्रॉन जहां पर ग्लो नहीं था, कलर चेंज नहीं हो रहा था, मतलब क्या है कि यहां पे पार्टिकल नहीं आ रहे, तो बहुत छोटा सा ही प्लेस था वो, तो उससे समझ में आया कि पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं। कुछ क्या हो रहे थे कि सर कुछ इधर जा रहे थे कुछ इधर जा रहे थे, तो आइडिया लग रहा था कि सर डेविएशन भी हो रहा है। तो यही से रदरफोर्ड ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और बताया कि सर एटम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करा एटम के बारे में कि सर जो पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं वो इस रिजिड पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ रहे हैं, बिकॉज हीलियम प्लस टू मतलब अल्फा पार्टिकल भी आपका एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है, और जब पॉजिटिवली चार्ज किसी पॉजिटिव से टकराएगी तो बेटा जी वहां रिपल्शन होगा, वापस आ जाएगा, वो इतना ज्यादा रिजिड है कि टकराया वापस आ गया, तो ऑब्वियसली जब कोई पार्टिकल्स इस स्फीयर से टकराएगा रिजिड स्फीयर से तो वापस आ जाएगा। अब ये बात जो थी कि सर बहुत ही कम पार्टिकल्स कर रहे थे ऐसा, तो इसका मतलब ये कि सर इसका साइज बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही कम पार्टिकल्स को ये वापस भेज पा रहा है। दूसरी बात कही कि सर कुछ पार्टिकल जा रहे थे डेविएट हो रहे थे, कुछ पार्टिकल गए डेविएट हो रहे थे, क्या मतलब है इसका? तो सर इसका मतलब ये कि हीलियम प्लस टू या अल्फा पार्टिकल जो वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो वो जब इसके पास से जाएगा तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन फील होगा, उस रिपल्शन की वजह से इधर डेविएट हो जाएगा, पार्टिकल इधर से गया एक रिपल्शन की वजह से इधर डेविएट हो गया, तो इनका डेविएशन किस वजह से है? रिपल्शन की वजह से, सेम चार्जेस के रिपल्शन की वजह से। थर्ड थिंग, सर मैक्सिमम पार्टिकल्स पार कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि सर एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, मैक्सिमम स्पेस खाली है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। और ये जो रिजिड स्फीयर है आप जानते हैं, उन्होंने बताया था कि सर ये न्यूक्लियस है और ये जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास शेल होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा भी रदरफोर्ड सर ने बताया। लेकिन अब यहां से मजेदार, अब तक जो था दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, बट अब हम यहां से बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्ट करेंगे एटम्स की। तो यहां से अब तक एग्जाम में ऑब्वियस है कि रदरफोर्ड मॉडल रिलेटेड था, लेकिन मैंने आपको इसलिए पढ़ा कि थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए, वरना रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ाने में भी कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, है ना। तो बहुत डिटेल में नहीं गया मैं, सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि ये सारी कहानी थी जो आपने पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो सर, मैं सिर्फ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे तो इसका क्या ही स्क्रीनशॉट लोगे तो सब आपको पता है, लेकिन इसके बाद जितनी भी चीजें मैं लिखूंगा दैट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप उनको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। देखो ध्यान से, जब रदरफोर्ड सर ने इतना काम किया कि सर एटम के अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियस है और यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग आए इनके पास, जैसे कि मैक्सवेल सर आए। मैक्सवेल सर की थ्योरी थी बेटा जी, मैक्सवेल सर की थ्योरी थी थ्योरी ऑफ वेव। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि सर अगर मेरे पास कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है, और अगर वो चार्ज पार्टिकल बेटा जी एक्सेलरेट कर रहा है, तो बेटा जी वो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, बाहर निकालेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो उनसे पूछा गया कि सर आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्पीसीज है, ये तो क्लियर है सबको, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज स्पीसीज है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्पीसीज है, अब पहले ये देखना है कि क्या सर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड को टाइम के साथ चेंज करता है, ये सारी चीजें हमको देखनी है। तो देखो हम जनरली जानते हैं कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है ये एक फिक्स स्पीड के साथ घूमता है, ये जो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो ऑब्वियस है कि ये एक फिक्स स्पीड के साथ घूम रहा है, लेकिन क्या ये एक्सेलरेट करता है? तो आपके दिमाग में आ रहा है सर इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, आप तो गलत बता रहे हो, नहीं करता होगा। चलो देखो, मैं ये कह रहा हूं कि बेटा जी आप जानते हो, बचपन से पढ़ रहे हो कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की कहानी होती है कि सर वो मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करेगी, बट मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन को भी देखती है कि सर डायरेक्शन किधर है। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड पर भी डायरेक्शन और डिपेंड करेगी और डायरेक्शन पे भी। अब देखो यहां कि सर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स स्पीड के साथ घूम रहा है, लेकिन स्पीड तो फिक्स है। एक एक बचपन से एक बात जानते होंगे कि सर स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो हम कहते हैं कि सर स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं कह रहा हूं कि 10 किलोमीटर पर आवर से जाओ आप, मैंने आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं की, तो आप स्पीड कहोगे। अगर मैं कह रहा हूं कि आपको 10 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में जाना है, तो दैट मींस कि अब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। यही डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड के अंदर। ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम है, लेकिन आप देखो कि सर जब इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसकी डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट इधर होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा होगा तो इसकी डायरेक्शन का कंपोनेंट इधर होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा होगा तो इसकी डायरेक्शन का कंपोनेंट इधर होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन टाइम के साथ डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना। मैग्नीट्यूड सेम है, नो डाउट, बट वेलोसिटी खाली मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड नहीं कर रही, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। तो कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करता है, स्पीड सेम रहती है, स्पीड फिक्स रहती है। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, अगर ये टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, दैट मींस कि इसके अंदर भी क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगा बेटा जी, रेडिएट बाहर निकालेगा। अब कहा निकाल गई सर, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, अच्छी खासी एनर्जी थी उसके पास अपनी, लेकिन जैसे थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करी उसने अपने पाथ को थोड़ा सा छोटा कर दिया, और एनर्जी रिलीज करी पाथ और छोटा, और एनर्जी रिलीज करी पाथ और छोटा। इस तरीके से बेटा जी एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन गया तो कहानी गड़बड़ हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्राइक, ब्लास्ट, कहानी खत्म एटम की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो रदरफोर्ड सर इस बात का जवाब नहीं दे पाए थे कि ऐसा क्यों है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एनर्जी रेडिएट करेगा, और रेडिएट करेगा तो एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। रदरफोर्ड हक्के बक्के भी, अब क्या करें इस बात पे, मतलब मैक्सवेल सर ने रदरफोर्ड मॉडल की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी, और भी बहुत सारी बातें पूछी इनसे कि स्पेक्ट्रम का क्या कॉन्सेप्ट है, इन्हें नहीं पता था, जीमान इफेक्ट, ये सारी चीजें पूछी, इनको ये भी नहीं पता था, कलर स्पेक्ट्रा के बारे में पूछा। मतलब रदरफोर्ड ने सिर्फ अपना मॉडल दिया, उससे रिलेटेड जिसने भी कोई क्वेश्चन पूछा उन्होंने कहा ठीक है भाई हमें नहीं पता इसके बारे में, इतना बहुत है कि हमने कर दिया। और रदरफोर्ड का मॉडल सिर्फ रदरफोर्ड का नहीं था, रदरफोर्ड के इसमें 2-3 स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने रदरफोर्ड के साथ बहुत मेहनत की थी बेटा जी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी। तो खाली रदरफोर्ड को नहीं भाई, नाम ले लिया करो कि उनके चेलों ने भी बहुत कुछ किया था, ठीक है। तो यहां देखो कि सर ये था रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का ये ड्रॉबैक था, ठीक है, और भी ड्रॉबैक्स थे। अब जब ये सारी कहानी हो गई, इस पूरा रदरफोर्ड मॉडल को मतलब दूरबीन लगा के देखा किसने, नील्स बोहर ने। नील्स बोहर ने बहुत ज्यादा टकटकी मार के मतलब रदरफोर्ड के मॉडल को घोल के पी गए। वो पहले तो जब वो मॉडल को पी गए बेटा जी, तब उन्होंने देखा कि इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपके पास होना चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। अब जब बोहर सर ने रदरफोर्ड मॉडल को बहुत अच्छे से पढ़ा, उन्होंने जान लिया कि इस मॉडल के अंदर कमी क्या है, और उस कमी को दूर करने का खेल दिखाया उन्होंने, मतलब कि अब यहां से कहानी हो गई आपकी बोहर्स एटॉमिक मॉडल की स्टार्ट, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की कहानी स्टार्ट हो गई। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की कहानी की बात करूं तो बोहर सर ने क्या कहा कि ठीक है, रदरफोर्ड सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये बात रदरफोर्ड सर ने बहुत अच्छी कही थी, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने चेंज क्या करा वो ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा कि सर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन फिक्स
एनर्जी के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सर इलेक्ट्रॉन के पास ये जो ऑर्बिट है इसकी फिक्स एनर्जी है। मतलब अगर इसके बाद अगर मैं और बताऊं कि इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वहां पे जो शेल है आपके पास, जो ऑर्बिट है आपके पास, उनकी एनर्जी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको शेल दिखाई देगा, नहीं नहीं नहीं, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। और जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के बीच में बेटा जी कुछ एनर्जी डिफरेंस होता है, कुछ एनर्जी डिफरेंस होता है। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड होना। मतलब एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, शेल्स के शेल्स जो होते हैं वो शेल्स बेटा जी क्वांटाइज्ड होते हैं। जैसे स्टेयर्स होता है ना कि अगर आपको एक स्टेप चढ़ना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है तो इस एनर्जी गैप के बराबर इसके पास एनर्जी होनी चाहिए, या ये इतनी एनर्जी यहां से रिलीज करेगा यहां से यहां पहुंचने में। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पहुंचना चाहता है तो ये जितना एनर्जी गैप है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है तब तो वो यहां से यहां जाएगा, अदरवाइज वो भाई उसी में घूमता रहेगा, पागलों की तरह घूमता रहेगा। अब ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स कर दी उन्होंने, सबसे मार्वलस कॉन्सेप्ट था कि सर जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि सर आपके अकॉर्डिंग यहां भी ऑर्बिट है, यहां भी ऑर्बिट है, और दो ऑर्बिट्स के बीच क्वांटाइजेशन है, एनर्जी गैप है ना। यहां इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन या तो यहां घूमेगा या फिर उसके बाद जो एनर्जी बैरियर है यहां इस वाले एनर्जी बैरियर में घूमेगा या फिर नेक्स्ट में घूमेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जहां मन है वहां घूम लेगा, नहीं, एक फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में ही घूमेगा। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि सर ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर मैक्सवेल सर तो इनके पास भी आए कि भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पीसीज हैगा, घूम रहा है, वेलोसिटी चेंज के साथ चेंज हो रही है, सर फिर एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर रहा आपका इलेक्ट्रॉन? और एनर्जी रेडिएट करेगा तो नीचे मजबूरी हो जाएगी उसकी जानी, भाई एनर्जी क्यों रेडिएट नहीं कर रहा है? ठीक है, ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है कि सर इस ऑर्बिट में है, तो धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट करते करते वो यहां पहुंच जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? तो समझते देखो इसको। उन्होंने कहा कि सर बचपन में हम एक गेम खेलते थे, मतलब गेम कहूं क्या कहूं, ठीक है जो भी खेलते थे, एक धागा लिया और उसके अंदर एक कंकड़ माना और उसे घुमाना स्टार्ट करते थे, है ना। वो गेम नहीं था, वो बहुत गजब की फिजिक्स थी। क्या फिजिक्स थी वो सोचो कि जब मैंने उस धागे को पकड़ के घुमाया तो देखो आप क्या कर रहे हो कि एक सेंटर अपने हाथ की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, अपने हाथ की तरफ क्या लगा रहे हो, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो। तो जो फोर्स ऑफ हम अट्रैक्शन लगाते थे उसको हम नाम देते थे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, आपने देखा होगा कि सर जब घुमाते घुमाते आप छोड़ दो उसे तो बाहर की तरफ किसी दूर जाता था, जबकि फोर्स आप अंदर की तरफ लगा रहे हो, छोड़ने पे बाहर की तरफ जा रहा है। तो बेटा जी जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमेगी तो उसके ऊपर दो फोर्स काम करेंगे, एक तो आप जो फोर्स लगा रहे हो अंदर की तरफ दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप उसको छोड़ दोगे ना तो बाहर की तरफ जो जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। मतलब उन्होंने ये समझाया कि सर जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूमेगी तो उस पर दो फोर्स काम करेंगे, एक सेंटर की तरफ और एक सेंटर से बाहर की तरफ, और वो तब तक सर्कुलर मोशन में घूमती रहेगी, वो तब तक सर्कुलर मोशन में बेटा जी घूमती रहेगी जब तक कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। जब तक कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा तब तक वो बड़े मजे से घूमती रहेगी। आपने जैसे इस फोर्स को रोक दिया, छोड़ दिया, तो आपका कौन सा फोर्स ज्यादा हो गया? भाई ऑब्वियस है ये फोर्स जीरो हो गया, तो वो कहां जाएगी? बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर खींच के ले जाएगा। तो इन्होंने यही समझाया कि सर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर की तरफ कौन खींचता है? न्यूक्लियस। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? भाई वैसे तो सेंट्रीपिटल होता है अगर हाथ से घुमाए, लेकिन जब अपोजिट चार्जेस के अट्रैक्शन की बात हो तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर हम इसको कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं।
तो क्या है कि सर जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, जो बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स। तब तक वो क्या करेगा कि सर एक फिक्स एनर्जी के साथ घूमता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक फिक्स एनर्जी के अंदर घूमने का रीजन यही है कि सर इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। और यहां से आप जाके आगे फिजिक्स में पढ़ोगे कि सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो ये हमने बोहर्स के मॉडल से बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज निकाली कि सर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी के साथ क्यों घूम रहा है, यूं घूम रहा है वो। फिर चलो आगे बढ़े, इन्होंने कहा कि सर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, देखो एक टर्म होती है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई मास है किसी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, उसके प्रोडक्ट को मोमेंटम, मोमेंटम इज मास वेलोसिटी। बट अगर वो ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ऑब्वियस है कि एक रेडियस के थ्रू घूम रहा होगा वो। तो वहां पर मोमेंटम ना कैलकुलेट करके हम एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो यहां पे क्या है कि सर एक रेडियस के थ्रू घूम रहा है ना, किसी मास का किसी वेलोसिटी के साथ, तो हम देखते हैं कि सर जो एंगुलर मोमेंटम है, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो nh अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। और एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा जी m into v into r is equal to nh upon 2 पाई। तो ये इक्वेशन यहां से भी डायरेक्टली कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? एमसीक्यू पूछेंगे आपसे कि बताओ फिफ्थ शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो n इज अ शेल नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना, बस n की जगह 5 रख दो, तो 5h upon 2 पाई मतलब 2.5 is equal to h upon पाई। तो यहां पे बस n की वैल्यू फिक्स कर दो कि सर वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, ये आपको वो बताएगा क्वेश्चन में, तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे इसका एंगुलर मोमेंटम। अब बात आई कि सर ये आपने कहां से रख दिया, ऐसे कैसे होता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो बेटा जी इसका एक अलग सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अभी मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा, हालांकि यहां पे डी ब्रॉगली की इक्वेशन यूज, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं मुझे टाइम खराब नहीं करना, बस इतना आप समझ जाओ। जब ब्रॉड से पढ़ाऊंगा ना तो ये भी दिखाऊंगा कि सर ये आती कहां से इक्वेशन, ऐसी थोड़ी है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, कहीं से तो आया होगा ये। तो ये कहां से ओरिजिनेट हुआ फॉर्मूला, जब डेप्थ में वीडियोस बनाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो एक एक चीज बहुत डिटेल से आपको समझाऊंगा। दिस इज द ओवरव्यू, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं फिलहाल चैप्टर का, आपके क्वेश्चंस हो जाए। तो ये हमारे पास दो तीन चार बातें बताई रदरफोर्ड मॉडल ने, जो भी उनके पोस्टुलेट्स थे, तो उनमें से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तो आप उनको तो 100% हमें ध्यान रखना है। और इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से रदरफोर्ड ने बेटा जी बहुत सारी कैलकुलेशन कर डाली। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूम रहा है, किस शेल में, इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस है न्यूक्लियस से उसका, कितनी काइनेटिक, कितनी पोटेंशियल, कितनी एनर्जी है, मतलब ए से जेड तक सारा डेटा उन्होंने बेटा जी दे दिया। अब मैं आपको यहां से बोहर्स की कैलकुलेशन बताता हूं, तो फॉर्मूले में एक साथ लिखते रहूंगा, इन फॉर्मूलेज को आपको याद करना है बेटा जी, बस यही आपका सबसे बड़ा काम है। क्या है ध्यान से देखो, पहले तो हमने ये देख लिया कि सर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा था कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम ही है आपका। मैंने बताया कि इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से, हालांकि डेरिवेशन है इनके, मुझे नहीं पढ़ाने डेरिवेशन, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, डेरिवेशन कभी आपसे पूछेगा भी नहीं। तो इन्होंने यहां से बेटा जी सबसे पहले रेडियस ऑफ एनएच शेल कैलकुलेट करी, वो फॉर्मूला है हमारे पास 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। मतलब कि अगर एनएच शेल, मतलब एनएच शेल का मतलब किसी भी शेल का, एन की वैल्यू 1 रख दो फर्स्ट शेल की रेडियस, 2 रख दो सेकंड शेल की रेडियस, 3 रख दो थर्ड शेल की रेडियस, तो क्वेश्चन जब भी आपको देगा तो वो आपको बताएगा कि बताओ थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है कितनी रेडियस होगी, तो एन की जगह क्या हो जाएगा 3। तो एन यहां पर क्या है सर, एन इज अ नंबर ऑफ शेल, एन क्या है नंबर ऑफ शेल। अब दूसरा जेड, जेड इज इक्वल टू होता है बेटा जी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन।
एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो बोहर का मॉडल था, हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के बारे में ही आपको बताएगा। मतलब ये जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी ये सिर्फ उन एटम्स के लिए हैं जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे हाइड्रोजन हुआ, He प्लस हुआ, लिथियम प्लस टू हुआ, बेरिलियम प्लस थ्री। मतलब आप एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, तो उसकी कैलकुलेशन आप बोहर की कैलकुलेशन से कर सकते हो। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल किसके लिए था? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका Z1 होगा, हेलियम की बात करूं Z2 होगा, इलेक्ट्रॉन ही तो निकाले हमने हेलियम प्लस वन में से। लिथियम प्लस वन की टू की बात करूं, इलेक्ट्रॉन एक ही है लेकिन इसके पास प्रोटॉन कितने? तीन। तो Z की वैल्यू आप यहां देख के निकाल लो कि किस एटम के बारे में पूछ रहा है वो। तो अगर इतनी चीज कर ली तो आपने रेडियस निकाल लेनी है। अच्छा, ये जो एंगस्ट्रॉम दे रखा है, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10^-10 मीटर। वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर। इसके बाद बेटा जी इन्होंने वेलोसिटी भी निकाली है सेल की। सर इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है किस स्पीड से घूम रहा है? तो वो आया था हमारे पास 2.18 × 10^-6 मीटर पर z/n मीटर पर सेकेंड। मतलब इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमेगा, z नंबर ऑफ प्रोटॉन, n इज द नंबर ऑफ शेल। तो आप देख लो क्या करना है। इसी तरीके से उन्होंने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब चीज कैलकुलेट करी। तो बेटा जी ये सब कैलकुलेट करने के बाद जब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं तो टोटल एनर्जी आती है -13.6 z^2/n^2। लेकिन एनर्जी यहां आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलती है। कभी कभार क्वेश्चन में फंसा देगा, वो कहेगा कि एनर्जी निकालो इन टर्म ऑफ जूल। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10^-19 जूल। ये देखो, तो अगर ये तीन फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो देखो तीन तरीके क्वेश्चन होंगे। किस रेडियस में है, कितना रेडियस है इलेक्ट्रॉन का, सेकंड शेल पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना होगा, उसी को रेडियस कहते हैं, है ना। तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो ये भी आप बता सकते हो, और किस उसके पास कितनी एनर्जी है, किस एनर्जी के साथ वो घूम रहा है। तो ये सारी चीजें आप बेटा जी बहुत डिटेल से इनके थ्रू बता सकते हो। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गई। मतलब ये सारी बातें करी, ऐसी बात नहीं, और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस करी इन्होंने। और क्या कैलकुलेशंस थी वो भी देखो ध्यान से। और कैलकुलेशंस क्या थी बेटा जी? और कैलकुलेशन थी इनकी कि अगर मान लो कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये कुछ इस तरीके से शेल्स होंगे KLMN, आप जानते ही हो। ये n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट शेल है, ये n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड शेल है, ये n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड शेल है। तो रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि सर यहां से यहां तक का गैप कितना होगा, यहां से यहां तक का गैप कितना होगा, मतलब दो एनर्जी लेवल्स या दो शेल्स के बीच का एनर्जी गैप। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो निकाल लेंगे। देखो n बराबर 1 है, आप एनर्जी निकालो तो यहां पे E1 कितना हो जाएगा सर? -K13.6 z^(n^1)2। फर्स्ट शेल के लिए तो n1 हो गया। अगर मैं इसके लिए E2 निकालूं तो E2 इज इक्वल टू -K13.6 z^(n^2)2। तो अगर आपको एनर्जी गैप चाहिए तो एनर्जी गैप कितना होता है? डेल ई इज इक्वल टू E2 - E1 निकाल दो भाई। जहां से जहां तक का भी निकालना है आपको, आपको E5 से E1 आना है तो E5 - E1 कर दो। N2 की जगह क्या हो जाएगा? N5 हो जाएगा भाई, कुछ नहीं हो तो। तो अगर मैं ये एनर्जी गैप निकालना चाहता हूं तो सर E2 आपके पास कितना आ रहा है? -K13.6 z^(n^2)2 -K - - क्या हो जाएंगे? +13.6 z^(n^1)2। आप इन्हें उल्टा कर लो भाई, माइनस वाली चीजें इसमें से कॉमन ले लो, 13.6 z^2 आपने कॉमन ले लिया तो प्लस वाला क्या बचा आपके पास? 1/(n^1)2 -1/(n^2)2। तो ये आपका एनर्जी गैप आ गया दो ऑर्बिट्स के बीच का। n1 आपका लोअर शेल, भाई कहां से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी देनी है। n2 आपका हायर शेल, ऊपर वाला शेल है, कहां तक इलेक्ट्रॉन जाएगा।
तो ये देख ले एन वन एन टू की वैल्यू पुट करनी है आपको। अगर वो थर्ड, वो कह रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन जीरो पे है, जीरो मतलब फर्स्ट शेल से फिफ्थ पे जा रहा है, तो एन वन आपका फर्स्ट हो गया, एन टू आपका क्या हो जाएगा फिफ्थ, आप निकाल लोगे एनर्जी गैप कितना होगा। आई होप इट्स वेरी सिंपल। जेड आपको वही है कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन, देख लो अगर हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू वन हो गई, हीलियम प्लस है तो जेड की वैल्यू टू हो जाएगी। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कहानी नहीं है। तो जब ये सारी कैलकुलेशंस बोहर ने की, उसने एक एक करके सारी एनर्जी का गैप निकाला, तो देखा क्या गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि सर जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे एनर्जी गैप थोड़ा थोड़ा सा कम होता चला जाता है। एनर्जी गैप क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, आप आगे बढ़ते चले जाओ, पहले आपने E2-E1 निकाला, फिर आप E3-E2 निकालो, फिर आप E4-E2। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जो शेल्स का एनर्जी गैप है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला, आपको ये भी याद रखना है, मैं लिख देता हूं इसे, बाकी चीजें रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो कि सर एक फॉर्मूला आपने और ड्राइव करवा दिया, एक फॉर्मूला और हमने एनर्जी गैप का देख लिया यहां से कि सर जो हमारे पास डेल ई है वो कितना आ रहा है, मा प्लस क्या 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। तो देखो एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको, और इसकी भी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है ना, ये भी आपका कितना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूले में लगाओ, कहानी खत्म, खेल खत्म। तो ये बेटा जी हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस बोहर ने की है ना। अब उसके बाद हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं, जो बात हमने रदरफोर्ड सर से पूछी थी कि सर स्पेक्ट्रम के बारे में बताओ, तो यहां पे रदरफोर्ड सर ने जो काम नहीं कर पाए थे वो बोहर ने बताया कि स्पेक्ट्रम की कहानी क्या है। तो स्पेक्ट्रम भी काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको उतना बता रहा हूं जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सर कि जब ये सारी बातें चलती रही, ये सब बातें चलती रही, ये सारी कहानी जब चलती रही, तो अब कहानी स्टार्ट हुई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम के बारे में जब जाना गया, जब इसके बारे में देखी गई, तो इसके बारे में बोहर सर ने बताया कि सर हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को जब आप देखोगे तो आपको 6 लाइन जैसे बारकोड दिखाई देता है ना, बारकोड जो हमको दिखाई देता है, इसी की तरह 6 लाइंस आपको दिखाई देंगे, एकदम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम्स आपको दिखाई देगा, डिस्कंटीन्यूअसली आपको लाइंस दिखाई देंगी, ब्लैक लाइन व्हाइट लाइन, ब्लैक लाइन व्हाइट लाइन, कुछ इस तरीके का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखाई दिया और आपको 6 लाइंस दिखाई देंगी इसमें। अब उनकी कहानी क्या है वो, तो मैं बहुत डिटेल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नहीं जा रहा, वरना स्पेक्ट्रम को समझाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा कि डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है ना, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, दिस इज अ इमिशन स्पेक्ट्रम है या फिर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो बहुत डिटेल से बहुत सारी चीजें सीखने लायक है इस टॉपिक में, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछेगा वो क्वेश्चन मैं आपको यहां से बता देता हूं। तो यहां से हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है वो स्पेक्ट्रल लाइन का रहेगा, वो हमसे क्वेश्चन बेटा जी स्पेक्ट्रल लाइन से ही पूछेगा। अब यहां पे कहानी होती क्या है स्पेक्ट्रम की, यहां पे कहानी क्या होगी कि मान लो कि अगर आपके पास कोई भी एटम है, एटम के अंदर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, जब आप उस इलेक्ट्रॉन को बेटा जी थोड़ी सी एनर्जी दोगे, मान लो सीधे सी बात, मान लो मैं बहुत घुमा के बता देता हूं कि सर मेरे पास क्या था कि मेरे पास एक बॉक्स है, मेरे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने क्या है कि हाइड्रोजन गैस भर रखी है, इसके अंदर क्या है मैंने हाइड्रोजन गैस भर रखी है, मैंने क्या करा बेटा जी इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, मैंने इसको क्या करा हीट करना स्टार्ट कर दिया। आप सब लोग जानते हो कि सर हीट भी क्या है, हीट भी एक एनर्जी है, जब आप इसे हीट करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा हीट करने से कि ये अपनी एनर्जी किसको दे देंगे, ये अपनी एनर्जी दे देंगे हाइड्रोजन को, जो आपके पास हाइड्रोजन एटम होगा उसको ये एनर्जी चाहिएगी, इसके अंदर बेटा जी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी को लेंगे और एनर्जी को लेके वो कहां चले जाएंगे, हायर स्टेट पे चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में, मतलब हायर एनर्जी लेवल या मैं कह सकता हूं कि हायर शेल में चले जाएंगे। भाई एनर्जी बढ़ गई, एक्साइटेशन हो गया, एक्साइटेशन के बाद कौन कहां रुकता है, सब हवा में उड़ना चाहते हैं,
है ना, पैसा इनके लिए एनर्जी मिली, हवा में उड़ गए। जैसे ही हवा में उड़े, जैसे ही हवा में इलेक्ट्रॉन आपका उड़ गया बेटा जी, असली जिंदगी का मजा तो इसे यहां पता चला कि नीचे ही था। अब जैसे ही ऊपर गया हायर एनर्जी लेवल पे बेटा जी, ये कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया, इसे रुकने का बिल्कुल मन ही नहीं करा। मतलब कि नैनो सेकंड से पहले ये वापस आएगा, मतलब 10^-9 सेकंड से पहले ये वापस आ जाएगा। जितने एक्साइटेशन से गया उतने ही एक्साइटेशन से वापस लौटेगा ये। अब जब ये वापस लौटेगा तो अब भैया कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज करेगा, यहां से कुछ ना कुछ एनर्जी तो बाहर निकालेगा ना, तभी तो वो नीचे वाली स्टेट पे जाएगा। भाई इसके पास एनर्जी बहुत है, यहां जाना है लोअर एनर्जी में, तो इस एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी या जो लाइट आपको बाहर दिखाई देगी, एनर्जी कहूं मैं, वेवलेंथ कहूं, तो ये सारी चीजों की वजह से हमें कुछ स्पेक्ट्रल लाइन यहां पर दिखाई दे रही थी। यही सारी कहानी थी स्पेक्ट्रल लाइन की। यहां पे उन्होंने बहुत, मैंने आपको टू द वर्डिंग कहानी समझाई है, वहां उन्होंने प्रिज्म के थ्रू सारी चीजें समझाई थी कि प्रिज्म से पास आउट करेंगे तो स्प्लिट्स हो जाएंगे लाइट। तो मैं बहुत डिटेल से यहां नहीं जा रहा, सिर्फ आप इतना कॉन्सेप्ट समझो कि सर अगर आप किसी को भी एनर्जी दोगे वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और जाने के बाद वो वहां जाकर अनस्टेबल फील करेगा, नीचे आएगा, बाहर निकलेगी एनर्जी, उस एनर्जी का ही हमें स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देती है, उसी एनर्जी से हमें सारे कलर्स दिखाई देते हैं। अब वो कैसी कैसी कहानी थी कि कैसे कैसे स्पेक्ट्रल लाइन था, आपको याद क्या रखना है, ये चाहे कोई बात याद रखना मत रखना, अब मैं आपको बता देता हूं कि सर किस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई थी। ध्यान से देखो यहां पे क्या है बेटा जी, ये मैं बना लेता हूं यहां पे कि कुछ चीजें कि सर ये मेरे पास एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, इस तरीके से हम बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं पहले, फिर अच्छे से समझेंगे चीजों को। 3, 4, 5, 6 एक और बना लेते हैं, ये बन गया, एक ऊपर बना लीजिए। अब देखो इधर, ये मैंने कुछ एनर्जी लेवल्स बना लिए, मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ जाओगे एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा। ये आपका फर्स्ट शेल है, ये आपका सेकेंड शेल है, ये आपका थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये आपका फिफ्थ शेल है, ये सिक्स्थ है, ऐसे ये सेवन्थ शेल है, और ये आपका लास्ट में, आप इसे इन्फिनिटी मान लो। ऐसे पहुंचते पहुंचते हम कहां पहुंच गए, इन्फिनिटी पे पहुंच गए। अब जैसे ही हम इन्फिनिटी पे पहुंचे, मान लो कि आपका जो एटम था उसने जब एनर्जी को ऑब्जर्व किया और एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी पे गया, तो हो सकता है कि वो सेकेंड पे गया हो, और सेकेंड पे जाके बेटा जी वो कहां लौट के आएगा, फर्स्ट पे। हो सकता है कि वो थर्ड पे गया हो, थर्ड से लौट के कहां आएगा बेटा जी, वो फर्स्ट पे। हो सकता है कि वो फोर्थ पे गया हो, लौट के कहां आएगा, फर्स्ट पे। हो सकता है कि ऐसे बढ़ते बढ़ते बेटा जी एक टाइम ऐसा हो कि वो इन्फिनिटी से फर्स्ट पे आ जाए। मतलब कितनी पॉसिबिलिटी आपके पास, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, सेकंड से फर्स्ट पे भी आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट पे भी आ सकता है, फोर्थ से भी, फिफ्थ से भी, सिक्स से भी, ऐसी वो इन्फिनिटी से लेके फर्स्ट तक आ जाएगा। या हो सकता है कि भाई उसके पास इतनी एनर्जी ना हो कि अगर मान लो कि वो थर्ड पर है तो थर्ड से फर्स्ट पे ना जाए, वो सिर्फ सेकंड तक ही चला जाए, फोर्थ से सेकंड तक ही जाए, फिफ्थ से सेकंड तक ही जाए, ऐसी इन्फिनिटी से बेटा जी वो सेकंड तक ही गया। और आगे बढ़े सर, और देखा कि फोर्थ से कोई मान लो टू तक नहीं जा पा रहा तो वो कहां तक गया, थ्री तक ही गया, फिफ्थ से थ्री तक गया, सिक्स से थ्री तक गया, हो सकता है इन्फिनिटी से थ्री तक ही जाए। इसी तरीके की बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन मिली, सर यहां तक भी नहीं पहुंच पाया तो यहां से यहां गया इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां गया, इसी तरीके से इन्फिनिटी से यहां आ गया। तो देखो कितनी बन गई, 1, 2, 3, 4, ऐसी 6 लाइंस बनी। और भी कैसे कैसे बन सकती कि सर इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं जा पा रहा तो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, इन्फिनिटी से यहां चला जाएगा। अगर मान लो इतनी भी एनर्जी नहीं है तो सर यहां से यहां गया और इन्फिनिटी से यहां गया, तो ये आपको 6 लाइंस यहां पर दिखाई दे रही है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है कि सर फर्स्ट पे जा रहा है, ये जो आपको एक ब्रॉड दिखाई देगा इस पूरे को हम कहते हैं, मतलब कि मैं यहां लिख देता हूं कि सर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन N1 में जा रहा है, कहां से, N2 से, N3 से, तो हमने देखा कि सर अगर इलेक्ट्रॉन N1 पर आ रहा है, N2 से आ सकता है, N3 से, N4 से, .. इनफिनिटी से, तो इसको नाम दिया, जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया उनका नाम लाइमन था, तो इसको बेटा जी हम लाइमन सीरीज कहते हैं। आप याद रखोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका N1 में जा रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, N2 से, N3 से, N4 से, N5 से, N इनफिनिटी से, कहीं से भी, तो उसको हमने क्या कहा, लाइमन सीरीज। इसी तरीके से अगर मान लो कि N2 तक ही जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, अब वो N2 पे कहां से आ सकता है, N3 से,
N4 से, N5 से, डॉट डॉट और इन्फिनिटी से। इसको बेटा जी हम बामर सीरीज कहते हैं, बामर सीरीज कहते हैं। तो ये बामर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में। और भी देखें ऐसे ही सर, इलेक्ट्रॉन N2 पे भी नहीं, N3 पे जा रहा हूं, N4 से जाएगा, N5 से जाएगा, N6 से जाएगा, डॉट 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 N इन्फिनिटी से गया। इसको हम पाश्चर कहते हैं, पाश्चर सीरीज कहते हैं। और इसी तरीके से N4 तक ही जा रहा हो इलेक्ट्रॉन, मतलब N5 से, N6 से, N7 से, डॉट 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 N इन्फिनिटी, तो इसको बेटा जी हम ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। This is called bracket series। और आगे बढ़े कि सर N5 में जा रहा इलेक्ट्रॉन कहां से, N6 से कहां से, N7 से कहां से, N8 से, डॉट 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 N इन्फिनिटी से। इसको कहा जाता है P-fund series। This is called P-fund series कहते हैं इसे। और देख लो कि भाई इलेक्ट्रॉन N6 में जा रहा है कहां से, N7 से, N8 से, N9 से, डॉट 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 इन्फिनिटी। इसको बेटा जी हम फेरी सीरीज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हम फेरी सीरीज कहते हैं। तो ये हमारे पास 6 स्पेक्ट्रल लाइन है, कौन कौन सी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड, हम फेरी। अब बात आई कि सर ये जो जितनी भी सीरीज आपको दिखाई दे रही है ये हमने देख लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो लाइमन सीरीज है, ध्यान से देखो, ये जो लाइमन सीरीज है, इस लाइमन सीरीज में एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? एनर्जी मैक्सिमम होगी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से वन पे जाएगा, ऑब्वियस है, और मिनिमम जब 2 से 1 पे जाएगा। सबसे कम एनर्जी गैप यही है और ये सबसे मैक्सिमम होगा। आप एक बात जानते हो कि सर एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। अभी थोड़ी देर में मैं ये भी दिखा दूंगा आपको, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर ये एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी अगर यहां मैक्सिमम है तो वेवलेंथ कितनी होगी? तो सर ये होगा लैम्डा मिनिमम, बिकॉज एनर्जी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। मतलब इन्फिनिटी से जब 1 आएगा इलेक्ट्रॉन तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। मैक्सिमम कहां होगी? जब सर वो 2 से 1 पे आ रहा होगा, बिकॉज यह एनर्जी मिनिमम है। इसी तरीके सब में सर ये लैम्डा मिनिमम होगा, ये लैम्डा मैक्सिमम होगा, ये लैम्डा मिनिमम होगा और ये वाला जो होगा बेटा जी ये लैम्डा मैक्सिमम होगा। यहां ये लैम्डा मैक्सिमम होगा, ये लैम्डा मिनिमम होगा, यहां पे ये लैम्डा मैक्सिमम होगा और ये लैम्डा मिनिमम होगा। ऐसे ही यहां पे ये लैम्डा मैक्सिमम होगा और ये लैम्डा बेटा जी मिनिमम होगा। तो देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे कहेगा बताओ बामर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी, या मैक्सिमम वेवलेंथ कहां से कहां तक कंसीडर हो। तो बामर कौन सी है सर? ये देखो, जब इलेक्ट्रॉन N3 से N2 जा रहा हो, N3 मतलब ये वाली है, तो बामर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी? जब वो कहां से जा रहा हो, 3rd से 2 पे जाएगा। मिनिमम कब होगी? जब इंफिनिटी से 2 पे जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि बताओ पाश्चर सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी, तो पाश्चर सीरीज कब है? जब N3 में जा रहा है, ये वाला मिनिमम कब है? कि जब वो 3 में जाएगा, कहां से? इन्फिनिटी से, तब मिनिमम वेवलेंथ होगी। कैलकुलेट करना भी सीखेंगे कैसे, लेकिन पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि सर मुझे इतना याद हो जाए कि बामर, पाश्चर, पी फंड, हम फेरी, ब्रैकेट, इनमें कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन जाता है, मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, मिनिमम वेवलेंथ कब होगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो, नहीं आई हो एक बार पीछे वीडियो को ले जाना और एक बार और सुन लेना, आ जाएगी समझ में, है ना। इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। चलो अब मैंने ये बातें देख ली कि सर अब क्वेश्चन ये कि ये जो लैम्डा मिनिमम है, लैम्डा मैक्सिमम है, इनको कैलकुलेट कैसे करें। चलो आओ इनको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई, मैं इतनी बातें रेफ कर देता हूं, ये सब ये यहां लिख दिया है मैंने, है ना, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से, अब देखो कि सर ये जो लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये है हमारा आज का काम। ध्यान से देखो, अब अगर मैं जानता हूं कि सर देखो एक इक्वेशन में आपको बताता हूं कि डेल ई इज इक्वल टू होता है बेटा जी HC/λ। मैंने कहा था एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो ये आया कहां से फॉर्मूला थोड़ी देर बाद बता दूंगा मैं, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि सर डेल ई इज इक्वल टू HC/λ एक इक्वेशन है ये आपके पास। अभी आपने डेल ई तो निकाला था ना कि सर डेल ई इज इक्वल टू 13.6
z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, है ना? ये तो सबको क्लियर है इतनी बात। क्या मैं डेल ई की जगह एच सी अपॉन लैम्डा नहीं लिख सकता? एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। अगर मैं यहां से 1 अपॉन लैम्डा निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? 13.6 अपॉन एच इंटू सी इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। यहां पर बेटा जी जो एच है, ये एच एक कांस्टेंट है, इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। मैं अभी इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, ये क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है। सी क्या है? सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट। तो आप दोनों वैल्यूज फिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 6.623 × 10^-34 जूल पर सेकेंड। तो जब ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है तो मैंने कैलकुलेट कर लेता हूं इस वाली पूरी टर्म को बेटा जी। तो ये आपके पास, इसको हम लिख लेते हैं आर z, लिख लो ये z स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। अब यहां पे जो rz है, ये तो क्लियर है कि सर rz इज इक्वल टू कितना है? rz इज इक्वल टू 13.6 h इंटू सी है, और इस rz को नाम दे दिया रिडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। और इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो ये 1.07 × 10^-7 मीटर में आ जाती है आपकी, है ना? 1.07 × 10^-7 मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, कहीं नहीं भटकना है इसमें, यही वैल्यू है। अब ये हमने यहां पे वेवलेंथ की फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा, मैं यहां पढ़ क्या रहा हूं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हमको बनाना है, और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी रहेगी? वो तो हमेशा बन रहेगी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो जेड की वैल्यू तो वन ही रहेगी बेटा जी। तो आपका फाइनल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन गया कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेवलेंथ की कहानी हो गई। अब आपको किसी भी सीरीज की, मतलब लाइमन सीरीज की, भाई ये तो पता है कि n2 से n1 आएगा तो लैम्डा मैक्सिमम रहेगा, n इंफिनिटी से n1 आएगा तो लैम्डा मिनिमम रहेगा। तो अगर आपको कैलकुलेट करनी है कि सर लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ कहां होगी, तो लाइमन सीरीज ये है और मैक्सिमम वेवलेंथ कब है? जब n2 से n1 जा रहा है। तो n2 का मतलब है सेकेंड शेल, n1 का मतलब है फर्स्ट सेल। तो आप n2 की जगह 2 रख दोगे, n1 की जगह 1 रख दोगे, rz आपको पता ही है, कैलकुलेट कर लोगे लैम्डा, लैम्डा मैक्स आ गया। अगर आपको लैम्डा मिनिमम निकालना लाइमन सीरीज का, तो मिनिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन एन इंफिनिटी से एन वन जाएगा, तो एन वन की जगह तो वन ही रहा, लेकिन इसका जो एन टू है वो अब क्या हो गया? इंफिनिटी से आ रहा है, मतलब एन टू जो है बेटा जी, इसका मतलब है हायर शेल। इलेक्ट्रॉन जहां से आ रहा है उसमें एन टू रख देंगे, और जहां पर जा रहा है लोअर शेल उसको हम एन वन रख देंगे। तो n2 लिमिट मिनिमम में कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। तो 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो आप यहां पे भी मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, मिनिमम भी निकाल सकते हो, ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखो थोड़ा सा, और इसमें वैल्यूज पुट करो। आप जितनी भी सीरीज है, होमवर्क है ये, चलो करना, ये आपका होमवर्क है कि सर जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन है इनकी लैम्डा मिनिमम और आप लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करो, सब के लिए, लाइमन के लिए, बामर के लिए, पास्चन के लिए, ब्रैकेट के लिए, पी फंड के लिए, हम फरी सबके लिए आप कैलकुलेट करो, ठीक है? चलो, जब हमने बेटा जी इतनी सारी बातें देख ली, ये सब कुछ समझ लिया, पढ़ लिया, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, एक चीज होती है कि सर जो हमें जो विजिबल लाइट है, ये जो व्हाइट लाइट आती है जो हमको दिखाई देती है, जितने कलर्स हमको दिखाई देते हैं, हर कलर की अपनी एनर्जी होती है, अपनी वेवलेंथ होती है, है ना? तो जो चीजें हमें दिखाई देती है, मतलब हमारी आंखें सारी इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट सारी वेवलेंथ को नहीं देख सकती, सारी एनर्जीज को नहीं देख सकती। एक फिक्स हमारी एनर्जी या फ्रीक्वेंसीज को देखने का एक फिक्स नजरिया है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं बेटा जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रफ कर देता हूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं यहां पे आपको। तो ये फॉर्मूला याद रखना है एक तो हमको, है ना, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, और दूसरी चीज ये कि बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन से कहां तक जाएगा। देखो इधर,
जब हम देखते हैं तो बेटा जी इनकी जो वेवलेंथ आती है, इनकी जो वेवलेंथ आती है वो आपकी अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। यूवी रेज तो आप जानते हो ना सब, अल्ट्रा वायलेट रीजन यूवी रेज। तो यूवी रेज जो रेज होती है उनको दिखाई नहीं देती, तो ये उस वेवलेंथ की एनर्जी या उस वेवलेंथ में होंगे, उस एनर्जी में होंगे जो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आ रही है, तो हमको दिखाई नहीं देती। बट लेकिन हम अगर बामर सीरीज की बात करें तो बेटा जी ये विजिबल रीजन में होती है। जब आप वेवलेंथ निकालोगे ना तो इसकी लिम्डा मिनिमम लिम्डा मैक्सिमम देख लेना, तो इसका आपको वो पता चल जाएगा कि कितनी वेवलेंथ तक की लाइट्स हमको दिखाई देती हैं। तो ये किस में आती है? विजिबल रीजन में आती है। बाकी ये चारों की चारों बेटा जी आईआर रीजन में आपको दिखाई देंगी, ये सब रीजन होते हैं। तो ये लाइमन का और बामर का बेटा जी बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में, कि भाई बताओ ये विजिबल रीजन में कौन सी है, यूवी में कौन सी है, आईआर में कौन सी है। बस एक बार दिमाग से थोड़ा बहुत बैठा लो, एक शॉर्ट नोट्स बना लो। बस ये देखो ये वीडियो आपको इसलिए बस शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, टॉपिक को डेप्थ तक मैंने नहीं समझाया आपको, सिर्फ मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप इनको याद रख लो और आपका काम हो जाएगा। तो ये थी स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी जो बोस ने बता दी। लेकिन अब बोस के ऊपर आपत्ति आने वाली थी, आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं बताता हूं। अब देखो जब बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, इतनी सारी कैलकुलेशन कर दी, तब उस टाइम पे क्या चल रहा था कि जब बोहर का मॉडल चल रहा था उसी दौरान बेटा जी बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी चल रही थी फिजिक्स में। वो कंट्रोवर्सी क्या थी, वो कंट्रोवर्सी क्या थी मैं समझा देता हूं ध्यान से। देखो बहुत डिटेल में उसमें भी नहीं जाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि वहां टाइम लग जाएगा अगर मैं चला गया तो। कंट्रोवर्सी थी कि सर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मतलब व्हाइट लाइट जो है, जो सन से लाइट आती है ना, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर कैसा होता है, क्वेश्चन यहां अटका था। कुछ लोग कह रहे थे कि सर वो वेव नेचर में एग्जिस्ट करेगा, कुछ लोग कह रहे थे सर वो पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करेगा। तो पहले आज यही सीख लो कि सर वेव नेचर होना या पार्टिकल नेचर होने में क्या डिफरेंस है। तो बेटा जी अगर मैं वेव नेचर की बात करूं, अगर मैं वेव नेचर की बात करूं तो वेव नेचर का मतलब होता है कि एक चीज एक जगह पर एक टाइम पर एक से ज्यादा जगह एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब एक चीज एक टाइम पर एक से ज्यादा जगह एग्जिस्ट कर सकती है, दैट इज कॉल्ड वेव नेचर। ये तो वेव नेचर तो एक मतलब जादू है। पार्टिकल नेचर क्या कहता है कि सर एक टाइम पर एक ही जगह एग्जिस्ट करेगा वो, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल। जैसे हम है पार्टिकल नेचर, थोड़ा सा वेव नेचर भी हमारे पास, समझेंगे कैसे। तो क्या है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब कि वहां पे कंट्रोवर्सी थी, कुछ लोग कह रहे थे वेव नेचर है, कुछ लोग कह रहे थे पार्टिकल नेचर है। अगर मैं इसको समझूं थोड़ा सा तो सर सबसे पहले मैक्सवेल सर ही आए थे इस बात को बताने के लिए। मैक्सवेल सर ने अपनी थ्योरी ऑफ वेव दी थी, थ्योरी ऑफ EMR या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव जो भी है, वेव लिख लो। तो मैक्सवेल सर ने क्या बताया, मैक्सवेल सर ने बताया कि सर वही मैंने आपको भी बताया था कि कोई भी चार्ज्ड स्पीसीज अगर एक्सेलरेट करेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगी, और वो रेडिएटेड एनर्जी जो है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। कोई भी चार्ज स्पीसीज अगर एक्सेलरेट करेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगी, वही रेडिएटेड एनर्जी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस तरीके से थ्योरी दी उन्होंने, बताया कि सर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। एक बार बुक से पढ़ लेना, यहां से बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, है ना। तो मैक्सवेल सर ने क्या बताया कि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मैं दिखा देता हूं कि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इस तरीके की जो वेव्स हैं वो तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन कुछ वेव दूसरे प्लेन में इसके 90 डिग्री एंगल के प्लेन में जाके कुछ इस तरीके से घूम रही है। तो ये वाली जो है हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इन दोनों वेव के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का। कैसे कि सर ये अगर ऐसे घूम रही है इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है देखो, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और उनकी डायरेक्शन, उनकी प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कुछ बताया था, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाओ, इतनी बातें सही है। बाकी मैक्सवेल सर ने बताया था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये सारी चीजें थी, ये हमको पता है बस मैक्सवेल थ्योरी में। बस ये याद रखना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसी रेडिएटेड एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक ऐसे बनाएगा वेव और दूसरा ऐसे करके बनाएगा, है ना। ये ऐसे बन रही है और ये आगे की तरफ से पीछे इस तरीके से जा रही है, और दोनों की जो डायरेक्शन का प्रोपगेशन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, एक ऊपर एक इधर, और डायरेक्शन इधर जा रही है। तो देखो ये चल गया ना, एक ऊपर जा रहा है एक इधर, डायरेक्शन इधर, तो तीनों एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर रहते हैं। बस ये दो तीन बातें याद रखना, मैक्सवेल में काम हो जाएगा। तो मैक्सवेल सर ने क्या करा, वो कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव है। फिर प्लैंक सर आए, फिर इसके बाद कौन आया, प्लैंक सर आए। प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहते हैं इसे। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी कि सर जो सन से लाइट आ रही है ना, वो छोटे छोटे से बंडल्स में बन के आ रही है, छोटे छोटे से पैकेट्स में बन के आ रही है। मतलब कि जो सन है अगर मेरे पास ये, तो यहां से जो एनर्जी आ रही है वो छोटे छोटे से पैकेट्स में बन के आ रही है, छोटे छोटे से बंडल्स में बन के आ रही है। और इन छोटे छोटे पैकेट्स को उन्होंने क्या कहा बेटा जी, इसी को उन्होंने कहा क्वांटा, इसी को उन्होंने कहा फोटोन। तो ये जो क्वांटा और फोटोन होते हैं, इट इज अ बंडल्स ऑफ एनर्जी, ये छोटे छोटे से बंडल्स होते हैं किसके, एनर्जी के। तो यहां से एक और चीज बताई कि सर ये जो क्वांटा और फोटोन है, इनकी जो मिनिमम एनर्जी है वो E इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब एच न्यू के बराबर होगी। और ये जो H है, H इज अ प्लैंक कांस्टेंट, ये यहीं से आया, प्लैंक कांस्टेंट है। तो यहां पे जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, और हम जानते हैं कि सर न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है सी अपॉन लैम्डा, मतलब स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो यहां से अगर मैं बना दूं तो एक फॉर्मूला आ जाएगा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये भी आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला आया कहां से है, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, इस पर इतना याद रख लेना। हालांकि ये थ्योरी में भी बहुत कुछ है, अभी बहुत सारा स्टाफ है, लेकिन मैं नहीं जा रहा डिटेल तक, ठीक है। तो ये आपको यहां से फॉर्मूला याद रखना, मतलब प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी थी वो क्या बता रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स, मतलब पार्टिकल नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, बस पार्टिकल नेचर है, ऐसा बताया प्लैंक ने। इसके बाद आए हर्ट्ज सर, मतलब यूनिट, आपने फ्रीक्वेंसी यूनिट पढ़ी ना, हर्ट्ज, वो साइंटिस्ट का नाम ही है। तो यहां पे कौन आए, हर्ट्ज सर आए। हर्ट्ज सर ने एक थ्योरी दी जिसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने भी क्या करा कि बेटा जी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी आपको पार्टिकल नेचर ही बताएगा, और इन्होंने प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी की उसको अप्रिशिएट करा, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को क्या करा इन्होंने, अप्रिशिएट करा कि सर प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था सर प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का, ठीक है। तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी हम देख लेते हैं कि सर प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या थी। तो प्लैंक की अगर मैं क्वांटम थ्योरी की बात करूं, तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट था कि सर अगर मेरे पास कोई भी एक मेटल की शीट है, कोई भी नहीं, कोई भी एक एल्कली मेटल की शीट है, कोई भी एक एल्कली मेटल शीट है, अगर मैं इसको एनर्जी दूं तो ऑब्वियस है कि एनर्जी किस में जाएगी भाई, ये तो किसकी बात मान रहे थे, प्लैंक की। तो वो बंडल्स में जाएगी, और बंडल्स में जाके वो एनर्जी किसके पास चली जाएगी, मेटल की शीट के पास। जैसे ही एनर्जी मेटल की शीट के पास जाएगी, तो बेटा जी क्या होगा कि इस मेटल की शीट के पास ये जो एनर्जी जैसे ही पहुंचेगी, वो अपनी एनर्जी इस मेटल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को दे देगी, और एल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को निकलने को तैयार बैठे रहते हैं। वो जैसे ही इस एनर्जी को लेंगे, जैसे ही वो इस एनर्जी को लेंगे बेटा जी, तुरंत ही क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहां से एमिट कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इस बात को मान रहा था कि सर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पास पार्टिकल नेचर, छोटे छोटे से पार्टिकल्स यहां पर आ रहे हैं, ऐसी बात ये भी मानता था।
हालांकि इसमें आइंस्टीन सर ने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन अपना दिया, बहुत सारी बातें बताई। एक और इंपॉर्टेंट बात आइंस्टीन सर ने बताई थी कि सर एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, ज्यादा फोटोन डालोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट और भी करके देखा था कि सर फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखी, इंटेंसिटी चेंज करके देखी, अलग अलग रिजल्ट मिले। तो अभी इतना डिटेल में नहीं जाते, छोड़ देते हैं, लेकिन फिलहाल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ना, तो वो याद रखना कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी एल्कली मेटल शीट पर डालोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो जितने फोटोन डालोगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बस इतनी बात याद रख लेना, इससे ज्यादा आपके 11th के एग्जाम में तो नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी से कि क्या फोटोइलेक्ट्रिक कहानी का कॉन्सेप्ट है ना। यहां पे क्या होता है, एक बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है जैसे आप एक फोटोन किसी मेटल शीट पर डालते हो। तो इस तरीके की कंट्रोवर्सी चलती रही, अब लोग परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा करो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसे मान लो कि उसके पास ड्यूअल नेचर है। उसके पास क्या है, ड्यूअल नेचर है। तो लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया कि ड्यूअल नेचर है, बड़े कंफ्यूज रहने लगे लोग कि सर क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इन दी एंड एक बहुत महान साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रॉकली, इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी। इन्होंने कहा कि सर आइंस्टीन सर कहते हैं कि E is equal to MC square, मतलब ये पार्टिकल नेचर को बताते हैं, ये कहते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी A is equal to h nu, दोनों एनर्जी है बराबर कर लो, तो MC square is equal to h nu, nu को c upon lambda लिख सकते हैं, तो MC square is equal to hc upon lambda, c से c कटा, m into c is equal to lambda, अगर मैं यहां से lambda निकालूं तो m into hc, ये हमारे पास आ गए। ये डी ब्रॉकली की इक्वेशन थी, बट दिस इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देने वाली है। क्या है वो डेटा, ये जो बेटा जी लैम्डा है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ है, और वेवलेंथ बताती है वेव की, भाई वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की तो होती है, दो क्रेस्ट दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ किसको बताती है, वेव को, और जिसके पास मास है वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, वो किसको बताता है कि सर पार्टिकल नेचर है। तो डी ब्रॉकली ने कहा कि सर आप पहली बात तो याद रखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ दो, जो आज तक गाना गा रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से दुखी है ना, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, मतलब मैटर एवरीथिंग, मैटर हैज ड्यूअल नेचर, मतलब मैटर के पास ड्यूअल नेचर है, मतलब हम भी मैटर है, हमारे पास भी ड्यूअल नेचर है। अब उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा कि कब पार्टिकल नेचर होगा कब वेव नेचर होगा, तो उन्होंने कहा कि सर अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो बहुत कम है, वेरी लेस है, अगर यह मास बहुत कम होगा तो ये वेवलेंथ बेटा जी ज्यादा होगी बिकॉज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा मैक्सिमम होगा, और जिसका मास अगर ज्यादा होगा, लार्ज होगा, मैं यही लिख दे रहा हूं, लार्ज होगा, तो उसकी वेवलेंथ कैसी रहेगी, मिनिमम रहेगी। मतलब अगर लैम्डा मैक्सिमम है तो वेव नेचर डोमिनेट करेगा, लैम्डा अगर मैक्सिमम है तो सर इसका मतलब है कि वेव नेचर डोमिनेट करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास पार्टिकल नेचर नहीं है, बट वेव नेचर डोमिनेट करेगा, वही ज्यादा होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसका लैम्डा मिनिमम है तो इसका मतलब ये कि उसके पास पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा, उसके पास पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इनके पास वेव नेचर ज्यादा डोमिनेट करता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉकली। तो इतनी ये सारी बातें जैसी डी ब्रॉकली ने बता दी, तो बेटा सबसे पहला धक्का जो लगा ना वो बोहर को ही लगा, क्योंकि बोहर की मैक्सिमम कैलकुलेशंस पार्टिकल नेचर कंसीडर करके ही थी इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर का, इलेक्ट्रॉन तो वेव नेचर में डोमिनेट करेगा, तो दैट मींस कि डी ब्रॉकली का हाइपोथेसिस भी एक ड्रॉबैक है बोहर्स का एटॉमिक मॉडल का। तो बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को बहुत बड़ा धक्का लगा कि भाई ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है और हमने तो सारी कैलकुलेशन पार्टिकल नेचर करके करी थी। बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, बिकॉज हमारे पास बोहर्स मॉडल ही में ज्यादा पढ़ना है, तो उसकी कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
है ना, क्वांटम मॉडल हायर लेवल में जाके पढ़ते हैं, तो अभी उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ज्यादा डिस्कशन नहीं, थोड़ी बहुत बातें करेंगे यहां पे भी। तो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस क्या थी, क्या फॉर्मूला था, क्या वो बताना चाहते थे, एक बार जाके बुक में से उसकी डेफिनेशन पढ़ लेना डी ब्रॉगली की, बाकी यही करके आना आपका काम हो जाएगा। तो बेटा जी ये हमारे पास छोटा सा डेफिनेशन तो पढ़ने क्यों है, मैं भूल गया, टर्म वन है भाई, एमसीक्यू बेस्ड है, डेफिनेशन पढ़ने नहीं, बस इतना ही पढ़ो दोनों काम हो जाएगा। तो डी ब्रॉगली की ये हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमने इतनी बात समझ ली कि जो छोटे छोटे से एटम्स होंगे उनके पास वेव नेचर डोमिनेट करेगा, और जो बड़े बड़े हमारी तरह होंगे उनके पास वेव नेचर, देखो सबके पास वेव नेचर, इन पे मास ठीक ठाक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ वेव नेचर है। तभी याद करो कि आज तक हम एक गाना गाते हैं पैरेलल वर्ल्ड पैरेलल वर्ल्ड, वो यही कॉन्सेप्ट का फिनोमिना है पैरेलल वर्ल्ड, है ना, कहते ना कि हमारी जैसी एक और दुनिया है, तो वो इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वेव नेचर है, और अगर हमारे अंदर वेव नेचर है तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो एक से ज्यादा जगह होनी चाहिए, एक से ज्यादा जगह हम एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी पैरेलल वर्ल्ड का नाम सुना है। अभी उसका कुछ मतलब ऐसा कोई दावा नहीं है, किसी ने देखा नहीं, किसी ने फील कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ थ्योरी के बिहाफ पर हमने मतलब एजम्पशन किया है कि होना चाहिए। तो ये डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था सर, ये था डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट। अब डी ब्रॉगली सर ने बता दी अपनी कहानी, डी ब्रॉगली ने बहुत हेल्प करी, मतलब अब तो उन्होंने कह दिया कि हर मैटर के पास ड्यूअल नेचर है। अब इसके बाद एक और महान साइंटिस्ट है जो सर में दर्द सिर्फ बोहर की कर रहे थे, है ना, तो बोहर के एक और महान हस्ती ने सर में दर्द किया, वो थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि सर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालोगे तो पोजीशन का आता पता नहीं होगा, अगर एग्जैक्ट पोजीशन निकालोगे तो वेलोसिटी का पता नहीं होगा, ऐसा कहा हाइजेनबर्ग सर ने। लेकिन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है सर, एक साथ नहीं बता सकते, अलग अलग तो बता सकते हैं भाई, एक साथ नहीं बता सकते तो अलग अलग तो बता सकते हैं, ठीक है बता देंगे अलग अलग। अगर तो सर मुझे आप पोजीशन बता दो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां होगी एग्जैक्ट, ये बता दो। तो जानते हो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, उन्होंने कहा सर मैं बता दूंगा लेकिन कैसे भी करके आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को जीरो करके दिखा दो, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आप उसे एक जगह रोक के दिखा दो, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मैं आपकी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता दूंगा। लेकिन बेटा जी इलेक्ट्रॉन रुकने को कभी तैयार नहीं होने का, मतलब किसी भी हाल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, और अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ओवरऑल जो हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट था वो यही बताता था कि किसी भी हाल में हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, ये बात माननी पड़ेगी, और आज तक का कोई भी मॉडल ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, कोई भी मॉडल ऐसा नहीं है बेटा जी। तो जब हाइजेनबर्ग ने ये बात कही तो बोहर भी अपनी थ्योरी देखने लगे कि यार हमने तो वेलोसिटी भी एग्जैक्ट बता दी और हम तो पोजीशन भी एग्जैक्ट बता देंगे अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जो कि हाइजेनबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू मना कर दिया, ऐसा नहीं होने लगा, और हाइजेनबर्ग की बात बहुत हद तक ठीक थी। भाई बोहर भाई सोचने लगा। अब बोहर का एक और पोस्टुलेट है, मतलब एक और ड्रॉबैक है, डी ब्रॉगली भी ड्रॉबैक था और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी ड्रॉबैक है बोहर एटॉमिक मॉडल का। तो ये दोनों लोगों ने बोहर के सर में दर्द कर दिया था। अब बोहर के मॉडल में जब कमियां निकली तो इन द एंड लास्ट मॉडल हमारे पास आया बेटा जी, जिसको हम कहते हैं क्वांटम एटॉमिक मॉडल। तो अब हम देखते हैं कि सर क्वांटम मॉडल की कहानी क्या है। तो क्वांटम मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है हम समझेंगे। तो सर अब हमारी कहानी है क्वांटम मॉडल से। देखो ध्यान से सर, अगर हम क्वांटम मॉडल की बात करें तो क्वांटम मॉडल दो लोगों की रिस्पेक्ट करता था। एक थे डी ब्रॉगली सर, मतलब क्वांटम मॉडल इस बात को समझता था कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर डोमिनेट करेगा,
और दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता था, मतलब ये भी मानता था इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है और ये भी मानता था कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हम किसी भी हाल में कैलकुलेट नहीं कर सकते। दोनों बातें मानता था ये क्वांटम मॉडल। तो क्वांटम मॉडल इस बात के पीछे नहीं भागा कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्वांटम मॉडल इस चीज के पास भागा कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के पीछे भागा कि लगभग लगभग ही बता दो कि इलेक्ट्रॉन कहां होगा। तो क्वांटम मॉडल में जो सबसे बढ़िया काम किया स्टार्टिंग में वो श्रोडिंगर सर ने किया था, ठीक है। तो श्रोडिंगर सर ने क्या करा बेटा जी, अपनी एक इक्वेशन दी विच इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उन्होंने अपनी एक वेव इक्वेशन बनाई और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, इनकी जो वेव इक्वेशन थी श्रोडिंगर सर की, इसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इक्वेशन नहीं लिख रहा, कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी, ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स होते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आने वाले, हायर क्लास में जाके समझोगे उनको, है ना। अभी मैं बता भी दूंगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इतना कुछ टाइम है नहीं हमारे पास और हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से हमने एक टर्म अराइज की जो थी बेटा जी हमारे पास क्वांटम नंबर। और इनकी जो वेव इक्वेशन थी वहां पे तीन तरीके के क्वांटम नंबर हमने निकाले थे। एक था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या होते हैं क्वांटम नंबर भी बताऊंगा। दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब ये तीन क्वांटम नंबर तो हमारे किससे आए हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। एक और क्वांटम नंबर बाद में आया था जिसको हमने नाम दिया स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैं आपको एक बार क्वांटम नंबर की पूरी कहानी समझा देता हूं कि सर क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। मैं रेफ कर रहा हूं, एक बार देख लेना। अब तक तो कुछ तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ी बातें और रहेंगी, वो भी खत्म कर लेते हैं। अब देखो कि सर क्वांटम नंबर की हम बात करेंगे, और एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक था हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक था हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक था हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल को स्मॉल एल से, इसको एमएल लिख देते हैं, इसको एमएस लिख देते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर लो। स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आज तक हम क्या जानते थे, आज तक हम जानते थे कि सर जो हमारे पास एटम होगा उसके अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट होता है। अगर मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूं तो वो यहां मिल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो कहां मिल जाता है, ऑर्बिट में। तो यही दिक्कत आएगी सर, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऑर्बिट के अंदर नहीं, ऑर्बिट के अंदर तो बहुत सारी कहानी होती है। ऑर्बिट के अंदर बेटा जी आपको सबशेल्स मिलेंगे, सबशेल्स के अंदर आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर जाके आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इतनी सारी कहानी होगी यहां पे, है ना। तो हमें ये पता करना है कि सर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है, किस इलेक्ट्रॉन, मतलब कहां पर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। इलेक्ट्रॉन भी लो स्पिन, हाई स्पिन, मतलब अप स्पिन होता है, लो स्पिन होता है, तो कहां पर है वो देखेंगे। ध्यान से देखना, अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं तो ये आपको शेल नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। अगर मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करूं तो यह आपको सबशेल नंबर बताएगा, मतलब यह आपको सबशेल बताएगा कि कौन से सबशेल में। सबशेल से आपको याद आया होगा, आपने जब पीरियोडिक टेबल में एसपीडीएफ पढ़े ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो जो ब्लॉक्स के नाम पे एसपीडीएफ लगा हुआ है वो सबशेल के नाम ही है, है ना। वो किसके नाम है, सबशेल के। तो हमारे पास एसपीडीएफ सबशेल होता है, तो पता करना पड़ेगा सर किसमें इलेक्ट्रॉन। L आपको बताएगा ऑर्बिटल कि सर किस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आपको स्पिन बता देगा कि इलेक्ट्रॉन किस स्पिन से, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ये आपको बताएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, उनको याद रखना, बस इतना काम कर लेना, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं कि सर एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका वन से स्टार्ट होगा
टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर डॉट 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 इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। मतलब शेल जो है वो आपके इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, वन शेल, टू शेल, थ्री शेल, फोर शेल। तो एल की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू होगी। अब इसके बाद अगर एल की बात करूं तो बेटा जी वो जीरो से स्टार्ट होके एन माइनस वन तक जाएगा। अगर मतलब मैं कह रहा हूं कि एन की वैल्यू फोर है या एन की वैल्यू टू है, तो एल की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी और एन माइनस वन का मतलब कहां तक जाएगी, वन तक। तो n इज इक्वल टू टू पर l इज इक्वल टू जीरो और वन हो जाएगा। तो l की वैल्यू जीरो से कहां तक जा रही है, n माइनस वन तक। अब यहां देखो कि सर n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो माइनस l से स्टार्ट होगी, जीरो तक जाएगी, फिर जाएगी प्लस l तक। मतलब कि अगर l की वैल्यू वन है, देखो l की वैल्यू अगर जीरो है तो m की वैल्यू ऑलवेज जीरो हो जाएगी। l की वैल्यू अगर वन है तो m की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन, जीरो प्लस वन। एल की वैल्यू अगर टू है तो एम की वैल्यू कितनी होगी, माइनस टू, माइनस वन, प्लस वन, प्लस टू, और यहां एक बार जीरो आ जाएगा तो फाइव आ जाएंगे, है ना। एस की वैल्यू आप हमेशा याद रखना कि सर अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। ये आप ध्यान रखोगे कि सर एस की वैल्यू प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, इतना बात याद रख लेना। तो यही क्वांटम नंबर की कहानी है। एन की वैल्यू जो है, L अगर निकालोगे तो 0 से n माइनस वन, m निकालोगे तो माइनस l से प्लस l। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बस जितनी बातें मैंने बताई उतनी याद रख लेना, जितनी बातें मैंने बताई हैं इतनी बातें आप याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कि सर मेरे पास ये दे दिया 4s ऑर्बिटल आपको दे दिया, या एक और चीज मैं अभी बता दूं, पहले n की वैल्यू आपने देख ली, वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है। l की वैल्यू आपने देख ली जीरो से n माइनस वन, m की वैल्यू आपने देख ली माइनस l से स्टार्ट होगी, जीरो जाएगी, फिर जाएगी वो प्लस l तक। s की वैल्यू आपको प्लस माइनस हाफ, या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। आप ये याद रखो कि सर अगर l की वैल्यू जीरो आ रही है तो s सबशेल होगा, l की वैल्यू वन आ रही है तो p सबशेल होगा, L की वैल्यू टू आ रही है तो D सबशेल, और F की वैल्यू थ्री आ रही है तो F सबशेल। ये भी आपको अपने दिमाग में फिट कर लेने, ठीक। अब देखो मैं कमाल की बात दिखाता हूं आपको। आपको बेटा जी, आपको दे रखा है कहीं पे भी कुछ भी इस तरीके से दिया गया, भाई ये दे दिया आपको कि मेरे पास एक 4s ऑर्बिटल है। आपसे पूछेगा बताओ इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है। तो आप क्या करोगे कि सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेल नंबर है, और इसका शेल नंबर लिखा होता आगे की तरफ। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4, और इसके लिए l की वैल्यू, l 0 पे s होता है, s कब होता है, जब l की वैल्यू 0, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपको दे देगा भाई n बराबर 3 है, l बराबर 2 है, बताओ कौन सा ऑर्बिटल होगा। तो n बराबर 3 को तो आप आगे लिखेंगे, L बराबर 2, तो L बराबर 2 पे देखो क्या होता है, D, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3D ऑर्बिटल। उल्टा कर दिया क्वेश्चन, है ना, उल्टा कर दिया। चलो अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट कहानी यहां से सिखाता हूं क्वांटम नंबर की। देखो क्या है वो, इतनी बात तो समझ में आ गई, क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते यहां से, है ना, सिंपल से क्वेश्चंस आते। देखो हमने देखा कि सर अगर n की वैल्यू मेरे पास 1 है तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से n माइनस 1 तक 0 ही रहेगी। जीरो का मतलब कौन सा है कि सर इसके पास एस सबशेल है। एल की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो, भाई माइनस एल से प्लस एल, ये भी कितनी हो जाएगी, जीरो। एस की वैल्यू सर इसके लिए प्लस माइनस हाफ होगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ, दूसरे की माइनस हाफ। तो एल बराबर वन पे एल इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक ही शेल आपका प्रेजेंट होगा, एस सबशेल सॉरी, और एक ही आपके पास ऑर्बिटल होगा। जीरो का मतलब एक ऐसा सा बॉक्स बना देंगे आप, जीरो नंबर है इस बॉक्स का, है ना। अब एल, एन बराबर मेरे पास टू है तो एल की वैल्यू जीरो से लेके वन तक जाएगी। जीरो का मतलब है कि इसके पास एस सबशेल है, एल का मतलब है इसके पास पी सबशेल है। अगर मेरे पास एस सबशेल की बात करूं तो एन की वैल्यू तो इसके लिए जीरो ही है, लेकिन अगर p सबशेल की बात करूं तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, माइनस वन, जीरो, प्लस वन। इसके लिए जीरो वाले के लिए आप एक बॉक्स बनाएंगे, और इसमें देखो तीन वैल्यू आ रही है, एक है माइनस वन, जीरो, और ये प्लस वन। ये सिर्फ किसके, जीरो की।
तो आप ये देखो n बराबर 2 पर समीशन कितने आ रहे हैं, दो s और p, ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं देखो, एक दो तीन चार, कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, चार। s की वैल्यू वही है कि सर प्लस माइनस हाफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर 3 की बात करूं, n बराबर 3 की बात करूं तो देखो यहां पर कोई बात नहीं है सर, चार ऑर्बिटल आ रहे हैं ना आपके पास, कितने सबशेल आ रहे हैं देखो, वन टू थ्री, चार ऑर्बिटल, तो यहां फोर वन माइनस हाफ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाना, अंडरस्टूड रखना हो। एन बराबर थ्री पे एल इज इक्वल टू जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, एन माइनस वन तक जाएगा। जीरो का मतलब एस, वन का मतलब पी, टू का मतलब डी। एस की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो एन जीरो आ जाएगा, पी के लिए यही आएगा माइनस वन जीरो और प्लस वन, डी के लिए टू है ना, तो टू पे क्या आएगा माइनस टू, माइनस वन जीरो, प्लस वन और प्लस टू, देखो ये हमारे पास आ गए। तो जो आपके पास डी ऑर्बिटल होता है उसके, डी सबशेल होता है उसके पास पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, पी के पास तीन ऑर्बिटल, एस के पास एक, जीरो वाला। जीरो का मतलब जीरो नहीं है, जीरो का मतलब एक बॉक्स है, इसका नंबर हमने जीरो रख दिया, बस इतनी बात है आप याद रखना। आप देखो यहां से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि अगर आपको नंबर ऑफ सबशेल पता करने हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ थर्ड सबशेल, थर्ड शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, तो आपने देखा फर्स्ट शेल के अंदर एक सबशेल एस है, सेकंड के अंदर दो है, थर्ड के अंदर तीन है, तो नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ शेल के बराबर होगा, मतलब एन के बराबर होगा नंबर ऑफ सबशेल। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल मुझे निकालना है कि सर फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो देखो फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल है, एक, सेकेंड शेल में कितने, वन टू थ्री फोर, थर्ड शेल में कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू एन स्क्वायर, फर्स्ट में वन है तो एन स्क्वायर भी वन होगा, सेकेंड में फोर है मतलब एन स्क्वायर के बराबर, थ्री में नाइन है मतलब एन स्क्वायर, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने वो एन स्क्वायर के बराबर होगा, नंबर ऑफ शेल निकालने वो बेटा जी एन के बराबर ही होगा। तो इतनी बातें अगर आपने कर ली तो क्वांटम नंबर का खेल खत्म, आप लगभग लगभग बता सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है, क्या उसका स्पिन है, ये सारी चीजें आप यहां से कवर अप कर सकते हो। तो बेटा जी यहां से लगभग लगभग आपको आइडिया लग गया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लगभग लगभग वो कहां पर है, इस बात का आइडिया आपको यहां पे लगवा दिया गया, ठीक है। चलो इसके बाद देखो यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि सर जो हमारे पास ऑर्बिटल्स या सबशेल हमने पढ़े, क्योंकि शेल के बारे में तो हम जानते हैं, शेल के बारे में कोई दिक्कत नहीं किसी को, हमें बात करनी है ऑर्बिटल की या फिर जो सबशेल है। तो चार तरीके के सबशेल देखे, एक एस था, एक पी था, एक डी था, एक एफ होगा। तो अब हम इनकी किसकी बात करेंगे, इनकी शेप की बात करेंगे। देखो बहुत सिंपल सी बता दे रहा हूं, इसकी शेप स्फेरिकल होती है, पी का डंबेल, डी की डबल डंबेल, और बेटा जी एफ जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टू डी में रिप्रेजेंट करना उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही उसके बनते हैं, बिकॉज उस पर लोग बहुत ज्यादा, आपसे वो उसके बारे में कोई पूछेगा भी नहीं कुछ। तो एस की शेप स्फेरिकल मतलब एक स्फेयर की तरह बन जाती है, डंबेल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, डबल डंबेल बेटा जी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये आपके पास बन गया। एस के अंदर एक ऑर्बिटल था, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर ऑर्बिटल कितना था, एक, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी के अंदर ऑर्बिटल थे तीन, कौन कौन से होते हैं, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है और एक पी जेड। यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे सर, एक ऑर्बिटल में दो आते हैं, तीन में छह आ जाएंगे। डी के पास बेटा जी पांच हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे मैक्सिमम, पांच में दस आ जाएंगे। ऐसे इसके पास सात होते हैं टोटल ऑर्बिटल, टोटल जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 14 आ जाते हैं इसके पास, है ना। बस आप इतनी बातें याद रख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना डेटा याद रख लेना, सफिशियंट है इतना डेटा कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इतने ऑर्बिटल्स हैं, ये बातें हैं। अब बात आई कि सर इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया कि सर इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या है। अब एक लास्ट आपका कॉन्सेप्ट रह जाता है इसमें कि कॉन्फ्यूगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहानी क्या है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, मतलब इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करें, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करें, तो इसके लिए तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। एक एफ बाउ प्रिंसिपल था, एक हमारे पास एफ बाउ प्रिंसिपल था, एक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, एंड द थर्ड वन इज, जो हमारे पास तीसरे साइंटिस्ट थे, अफबाउ हो गए, पाउली हो गए, एक थे हमारे पास हुंस रूल, कहते थे हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की भी कहानी थी। तो ये हमारे पास अफबाउ, पाउली एक्सक्लूजन, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये आपको क्या सिखाएंगे, फिलिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हो। बचपन में हम पढ़ते थे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरी कहानी, यहां पे हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं अफबाउ की बात बताऊं, तो अफबाउ क्या है कि अफबाउ पहली बात तो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये बेटा जी एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है बिल्डअप करना, किसी भी चीज को बनाना। तो अफबाउ सर ने क्या बोला, अफबाउ सर ने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन जो हम भरते हैं ऑर्बिटल के अंदर, वो पहले उसके अंदर भरेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरेंगे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन को भरते हुए। और आपको पता कैसे चलेगा कि सर किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है, तो उसके लिए कहा कि हम हमेशा N+L रूल को फॉलो करेंगे। N+L रूल का मतलब है कि जिसके N+L की वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी N+L की वैल्यू कम आएगी उसकी एनर्जी कम होगी। और कहीं कहीं फंस जाओ, मान लो कि दो ऑर्बिटल्स की N+L की वैल्यू सेम आ रही है, तो जिसकी N वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास एक 1s है और एक 2s है, मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरा जाएगा, तो बेटा जी ये जो 1s है आप इसका N+L निकालो, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और L की वैल्यू कितनी होगी 0, तो कितना आ रहा है 1, यहां कितना आ रहा है 2+0 मतलब 2, तो N+ वैल्यू इसकी ज्यादा है मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, मतलब 1s में। तो इन्होंने पूरा चार्ट बना दिया था कि 1s 2s 3s, तो कुछ मिला के कुछ ऐसे इतना याद कर लेना आप, 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, बस इतना अगर आपने याद कर लिया आपका काम हो जाएगा, बाकी एक बार बुक से टेबल देख लेना हो जाएगी। तो अफबाउ का काम यही था कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरें, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी एनर्जी कम है, तो 1s की एनर्जी कम, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, तो s में मैक्सिमम 2, इस वाले x में मैक्सिमम 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, इतना ही होगा। बस ये आप याद रख लेना बिकॉज आपके एग्जाम में कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम 30 तक इलेक्ट्रॉन आप यहां तक भर सकते हो, इससे बड़ा कॉन्फ़िगरेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। चलो इसके बाद पाउली सर आए, पाउली सर से पूछा, पाउली सर ने कहा कि सर एक बात याद रखो कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, भाई एक ऑर्बिटल, इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, मान लो पी के अंदर 3 होते हैं, तो ये जो एक ऑर्बिटल है इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं बेटा जी, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़े हैं, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, नेवर बी सेम। मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, किसी भी हाल में अगर n l m बराबर हो जाए तो s तो कभी बराबर नहीं होगी क्योंकि s की वैल्यू फिक्स है, या तो माइनस हाफ होगी या प्लस हाफ होगी, गॉट इट। तो कहीं ना कहीं पाउली एक्सक्लूजन समझाना क्या चाहते थे, पाउली एक्सक्लूजन का मतलब है कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप 3 भर के देख लो भाई, 3 भर के देखो, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, मान लो तीसरा या तो ऐसे भरोगे या नीचे की तरफ भरोगे, तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इन दोनों के स्पिन सेम हो जाएंगे, और वैसे भी NLM तो पहले से ही सेम है,
और अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का ले दिया तो इसकी चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, मतलब कि पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल खत्म है ना। तो पाउली सर यही समझाना चाहते थे कि सर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं आएंगे, ये बात याद रख लेना इनकी। हंस ने क्या बताया, हंस ने कहा कि सर आपके पास मान लो कि ये एस ऑर्बिटल है, ये पी के ऑर्बिटल है, ये डी के ऑर्बिटल है पांच। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भरो, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो इसके अंदर भरना है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहां नहीं भरूंगा, पहले मैं सिंगली ऑक्यूपाइड करूंगा पूरे ऑर्बिटल्स को, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना यहां भरूंगा। अब जब आप चौथा इलेक्ट्रॉन कहोगे, जब एक बार सब भर गए तो चौथा इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे तो बेटा जी तब हम रिपीट करेंगे बट अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन को, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन ऐसा ही, सेकंड इधर आएगा, थर्ड इधर, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर, फिर सिक्स्थ रिपीट होगा, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। बस इतनी बात बताई थी हंस रूल ने। तो जब ये सारी चीजें हम सीख गए तो इसके बाद में आपको लास्ट में बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की कहानी क्या है, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन कराऊंगा, करीबन दो तीन वीडियो में मैं आपके 50-60 क्वेश्चंस करा दूंगा, उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तभी आप एमसीक्यूज कर पाओगे। तो लास्ट हमारा रह जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का फंडा क्या है वो समझो। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में सीधी सी बात है कि मान लो आप अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग भरोगे, जिसकी एनर्जी कम पहले उसमें, तो वो मैंने आपको बता दिया था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d, बस इतना याद रख लो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अगर मान लो कि मुझे कार्बन के अंदर भरने हैं तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते 6, तो पहला इलेक्ट्रॉन किसमें गया 1s में, कितने आते हैं मैक्सिमम s में 2, फिर किसमें जाएगा 2s में, 2s में भी मैक्सिमम कितना आएंगे s है तो 2 ही आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए फिर किसमें जा रहा है 2p में, p में मैक्सिमम 6 आते हैं लेकिन आपके पास तो 2 ही बचे हैं ना, तो आपने 2 भर दिया, हो गया कॉन्फिगरेशन। आपसे जो एग्जाम में पूछेगा बेटा जी वो डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पूछेगा, आपसे स्कैनेडियम, आपसे क्रोमियम का पूछेगा, आपसे मैग्नीज का पूछेगा, आपसे आयरन का पूछेगा, आपसे कॉपर का पूछेगा। तो सबसे पहले तो इनके एटॉमिक नंबर याद कर लेना, मैं पूरे लिख दे रहा हूं सबके जितने भी आते हैं इसमें। स्कैनेडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम 22, ये याद कर लेना, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, और यहां लिख दे रहा हूं कि सर कॉपर का 29 और जिंक का 30। अब आपको कॉन्फिगरेशन करना है इनका, तो देखो पहला 21 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एक बार काउंट करो, 4 और 6 10 18 हो गए। इसके बाद 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बचाओ किसके अंदर चला जाएगा डी के अंदर, तो ये कितना हो गया 3d1, तो बस कहानी खत्म। इसमें लास्ट में कितना आ जाएगा 4s2 3d2, यहां पे क्या आ जाएगा 4s2 3d3, यहां पे देखो आना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन इसमें कॉन्फिगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 4s1 3d5 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 4s में तो एक ऑर्बिटल होता है, d में 5 होते हैं, तो बेटा जी जब 4 इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 और यहां पे थे 2, तो ये क्या करता है स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा के यहां पहुंचा देता है। तो क्रोमियम का थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस है, इसको याद रखना 4s1 3d5, फिर उसके बाद वही कहानी 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, और कॉपर में जब जाओगे तो यहां भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यह भी इस पे वैसे आना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन यहां पे भी सेम कहानी होगी कि 4s1 रह जाएगा और 3d आपके पास 10, जिंक का 4s2 3d10, और काम खत्म। मतलब यही हमारे पास मुद्दा था जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लिया। तो आपसे लगभग अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपने बहुत हद तक क्वेश्चंस कर लिए,
और जो दो चार कॉन्सेप्ट यहां रह गए होंगे वो जब मैं एमसीक्यूज आपको कराऊंगा तो एमसीक्यूज के बिहाफ पे बता दूंगा। तो इसके बाद मतलब एक दिन का गैप छोड़ के, आपको एक दो दिन का गैप छोड़ के मतलब आपको एमसीक्यूज की वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर मैं करीबन एक वीडियो में 30-35 एमसीक्यूज करा दूंगा इससे रिलेटेड। तो आप एक बार जाके पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद जब आप एमसीक्यूज में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको इतने एमसीक्यूज करा दूंगा कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा स्कूल में आपको सारे एमसीक्यूज वहीं से मिल जाएंगे। तो इतने घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, सब काम हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये ओवरऑल एक हम कह सकते हैं ओवरव्यू था, तो मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया है ना। तो थोड़ी सी आपने पढ़ रखी होंगी चीजें, थोड़ा सा और आपको रिकैप हो गया होगा सारी चीजें, तो आपने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। तो ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इन सब से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, इन सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेटा जी हम बात करेंगे एमसीक्यूज की, बिकॉज एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको एमसीक्यूज में लगा लगा के अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम मतलब इतने महारत हो जाएंगे कि हमारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गई हो। स्टिल किसी बच्चे का कोई डाउट हो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाई ये चीजें, क्योंकि मुझे करीबन 1.5-2 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म करना था, तो हो सकता है कि कुछ चीजें रह गई हो, कुछ चीजें आपको मतलब स्पीडली मैंने बोल दी हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहां पे आपको जरूर उसका रिप्लाई कर दूंगा, जिससे क्या है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।